नमस्कार प्यारे साथियों, सभी भाइयों का घटना चक्र के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे मैं रंजन तिवारी सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो लें और हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा सा सेशन। रीजनिंग पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों, और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सभी मेरे बच्चे फटाफट जुड़ जाएँ, जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी लोग फटाफट जुड़ जाएँ भाई, फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक बार सभी लोग फटाफट, जितने लोग जुड़ के जा रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा बच्चों। गीतिका, मनु देवी, उदय तिवारी, सुमन, बेबी अंजुम, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आशीष शुक्ला, धीरज, आयुष वर्मा, सभी बच्चों को आशीर्वाद भैया। तो चलिए, समय को नुकसान न पहुंचाते हुए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सा नंबर है, 80 81 25 54 44। इस नंबर पर आपको क्या करना है कि ज्वाइन आरओ लिख करके मैसेज करना है बच्चों, ज्वाइन आरओ लिख करके मैसेज करना है और व्हाट्सएप करना है, टेलीग्राम वगैरह पे नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। बाकी हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी कि आपको क्या करना आगे, ठीक है। अपडेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे बच्चों, मैटर मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, सामग्रियां सब मिल जाएंगी। तो सभी बच्चे फटाफट जरूर मैसेज कर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। परी, राजन, आलोक, अनुराग, आकांक्षा, अर्चना, चलिए सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून भैया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद देखिए अगर लास्ट में हो सकेगा तो हम आपको कुछ PYQ टाइप का प्रीवियस ईयर के PCS के भी CSAT के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं समय को नुकसान न पहुंचाते हुए। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है बच्चों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी बच्चे फटाफट बताएंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट बताना बच्चों, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगा। रामानंद सागर गुड आफ्टरनून, हर्षिता भैया, सहनाज, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून भैया। चलिए सभी बच्चे फटाफट बताएंगे मेरे भाई। यूपी आरओ ए आरओ मेंस में पूछा गया ये प्रश्न है। मानवी तिवारी आशीर्वाद, बेबी अंजुम भी बता रही हैं, और मेरे बच्चे बताएं फटाफट। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है बेबी अंजुम आपका। आ जाओ बच्चों, देखो कितना प्यारा सा प्रश्न है। अगर आपको ये लगता है कि गुरुजी अगर हम इनको गुणा कर दे तो हमें ये मिल जाएगा 11999, बट यहाँ पे ऐसा फॉलो नहीं हो रहा, तो आप एक काम करिए, 11999 है तो 9 और 11 का ले लीजिए, 9 और 11 का ले लो बच्चों माशा महत्तम समापवर्तक, और 9 और 11 का जो माशा आता है वो कितना आता है, 1 आता है। अब इस 1 को आप, इनका आपको लेना है माशा, ठीक है। अब इस 1 को आप क्या करिएगा, 99 से डिवाइड कर दीजिएगा, 99 से 1 डिवाइड करेंगे तो आपको 99 मिल जाएगा, ये वाली संख्या आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से 10 है और 25 है तो इनको करेंगे भाग, ये आ जाएगा 250। अब इनका अगर आप लेंगे माशा, इनका आप अगर आप लेंगे बच्चों माशा, तो इनका माशा आप लेंगे तो माशा कितना आएगा, 5। इनको काटेंगे तो 5 5 25 मतलब 50, ये वाली संख्या आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से मेरे बच्चों 18 और 35 का अगर आप माशा लेंगे तो 18 और 35 का माशा, इनका माशा लेंगे तो ये आ जाएगा 7, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 18 × 35। 18 × 35 अगर आप करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 980, ठीक है। 18 × 35 करेंगे 980, और 980 को अगर आप काटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 140, ये आपका शानदार आंसर बन जाएगा।
सभी लोग बताओ बच्चों, समझ में आ गया? जय श्री राम भैया सभी बच्चों को, अंशु रुचि सभी बच्चों को आशीर्वाद है। समझ में आ गया सबको? महत्तम समापवर्तक लेकर के ये सवाल लगा है बच्चों, सभी लोग फटाफट बताओ मेरे लाल, फिर आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े भाई, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, ए एफ डी आई एन एच एम आर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताओ क्या हो। सभी लोग फटाफट बताओ बच्चों, राधे राधे सभी बच्चों को, सभी बच्चे फटाफट बताएं। लेटर मैट्रिक्स है बच्चों, अब इस लेटर मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है ये आपके समझ में होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिभा यदुवंशी आशीरवाद भैया, यस गुड आफ्टरनून है धीरज सैनी, गुड। सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। गीतिका ठाकुर आशीर्वाद, लेटर को आप क्या करो, नंबर में कन्वर्ट कर दो बच्चों। लेटर को जब नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान समझना, एक छह यहां पे तो पूछा जा रहा, चार नौ और ये हो गया 14, आठ तेरह और ये हो गया 18, तो आठ पांच तेरह और तेरह पांच 18, ठीक है। नौ चार पांच नौ, सब में पांच पांच बढ़ रहा, और नौ पांच 14, उसी तरीके से एक पांच छ, तो छ पांच 11, 11 मतलब क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए बच्चों, ये बहुत सही बच्चों। रफ पेन अपने पास रख लेना, आज जितने भी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं सब एक से बढ़ के एक मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बच्चों, फटाफट लगा के बताओ, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ये फटाफट आपको बताना है। सभी बच्चे फटाफट लगा के बताएं। अर्चना त्रिपाठी बहुत बढ़िया, आशीष शुक्ला ए बता रहे हैं, आरती बिंद ए बता रहे हैं, सुमन भाई ए बता रहे हैं। बोलो बच्चों फटाफट, सभी बच्चों को आशीर्वाद भैया, आंसर बताओ मेरे भाई। अंशु का डी आ रहा, यश का डी आ रहा, ज्वाइंट हर्ट, बहुत बढ़िया नाम रखे हो, ज्वाइंट हर्ट। हाँ सबका ब्रेक हर्ट होता है, इसका ज्वाइंट हर्ट। कान्हा की दीवानी गुड आफ्टरनून। आओ बच्चों, लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दो, चार छ नौ तेरह, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाल दो बच्चों, चार दो छ, छ तीन नौ, नौ चार तेरह, दो तीन चार आगे, तेरह पांच कितना आ जाएगा 18, 18 मतलब क्या आ जाएगा आर, ये आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अंतर निकाल के करो, अपने आप लगता चला जाएगा बच्चों। कोई भी प्रश्न हो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस निकालते चलो बस। आ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे भी बताओ सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग बताओ बच्चों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, सभी मेरे मित्र बताएंगे फटाफट। बताओ बच्चों, लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, लेटर को नंबर में कन्वर्ट करके लगाइए और फटाफट लगता चला जाएगा।
ये देखा जाए बच्चों, ये एक है ये सात है, एक चार सात, सात दस तेरह, तेरह सोलह उन्नीस, एक है ये सात है, एक छह सात, सात छह तेरह, तेरह छह कितना आ जाएगा, तेरह छह हो जाएगा उन्नीस, मतलब यस। ठीक है, ये चार है ये दस है, चार छह दस, दस दस छह सोलह, मतलब सब में प्लस छह कर रहा बच्चों, और सोलह और छह बाईस, बाईसवां अक्षर वी हो जाएगा। ठीक है, और ये सात छह तेरह, तेरह छह उन्नीस, उन्नीस और छह, उन्नीस और छह हो जाएगा पच्चीस, पच्चीसवां अक्षर वाई, एस वी वाई, ये ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा, एस बी वाई जो है बच्चों, ये आपका बेस्ट आंसर बन जाएगा। बताओ बच्चों सबके समझ में आ गया? सभी लोग बताएं फटाफट, सबके समझ में आ गया मेरे भाई? आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आ जाएं। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, यहां पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बच्चों। सभी लोग फटाफट बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। विजय लक्ष्मी गिरी, गुड आफ्टरनून बेटा। फटाफट बताओ बच्चों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। माही यादव, कंचन, धीरज, गीतिका, सभी बच्चे शानदार आंसर करें फटाफट। चलिए बच्चों आ जाओ, देखिए वो क्या रहा, ये क्या है बच्चों, दो का क्यूब माइनस दो। ठीक है, तीन तरीका नौ, तरीक सत्ताईस माइनस तीन, चार चौका सोलह, चौका चौसठ माइनस चार, पांच का क्यूब 125 माइनस पांच, छह का क्यूब 216 माइनस छह, उसी तरीके से सात का क्यूब माइनस सात कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 336, ये आपका आंसर बन जाएगा। फटाफट बताओ, समझ में आया सबके? सीरीज से आपके एक दो प्रश्न बनने फिक्स है बच्चों। ठीक है, सीरीज से आपके एक दो प्रश्न बनना फिक्स है, दो तीन दिन का इधर समय है अपने पास बच्चों, तो अगर आप लोग तैयार हो तो दो तीन दिनों के लिए यूपीपीसीएस 2022 21 और 20, 20 21 22, ये प्रीवियस ईयर का सीसेट के प्रश्नों को अगर हम सॉल्व कर लें तो शायद उनसे भी कुछ प्रश्न फंसने के चांसेस होंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं करें, बस दो तीन दिन है, तो दो तीन दिनों में 20 22 का कर ले, 21 का कर ले और उसके बाद 20 का कर ले, इन पे भी हम लोग डिस्कस अगर कर लें तो शायद हो सकता है कि भाई रिपीटेड प्रश्न कभी कभार दे देता है, अगर वहां से अपना दो चार प्रश्न भी उठ गया बच्चों तो भी काम बन जाएगा। तो कल हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कल से हम लोग 2022 के सीसेट के प्रश्नों को थोड़ा सा टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए, गीतिका बिटिया इसमें कुछ नहीं किया है, ये दो का क्यूब माइनस दो, तीन का क्यूब माइनस तीन, चार का क्यूब माइनस चार, पांच का क्यूब माइनस पांच, छह का क्यूब माइनस है, इस तरीके से करते चले जाओ बच्चों, ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखा है कि हॉर्स को लिखा जाता है आई क्यू यू डब्ल्यू जे, तो टाइगर किसके बराबर में होगा, बताओ बच्चों।
तो टाइगर किसके बराबर में होगा ये आपको बताना है। हॉर्स को लिखा जाता है आई क्यू यू डब्ल्यू जे, तो टाइगर बराबर है किसके बताओ। तो प्रियंका बी बता रही है और मेरे बच्चे बताएं फटाफट। यस का ए आ रहा, ये मेंस का प्रश्न है लेकिन आप सोचो मेंस में इतना आसान अगर प्रश्न दे दिया 8, 15, 18, 19, 5, 9, 17, 21, 23 और 10 ठीक है। तो 8, 1, 9 + 1, 13, 15, 2, 17 + 2, 18, 3, 21 मतलब +1, +2, +3, +4, +5 का ये सीक्वेंस बन रहा बच्चों। तो टाइगर के साथ में निकालना है ठीक है, तो टाइगर के साथ में निकालना है। तो टाइगर का टी का 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5, आर का 18। तो 20 है तो 20 में एक जोड़ेंगे 21 आएगा, इसमें दो जोड़ेंगे 9, 2, 11 के आएगा, इसमें तीन जोड़ेंगे 7, 3, 10 और इसमें चार जोड़ेंगे 5, 4, 9 आई आएगा और इसमें पांच जोड़ेंगे 18, 5, 23 यू के जे आई डब्ल्यू, यू के जे आई डब्ल्यू ऑप्शन सी आपका बेस्ट आंसर बन जाएगा ठीक है। समझ गए सभी लोग? अपूर्वा द्विवेदी गुड आफ्टरनून बेटा। कल आपको हर एक टॉपिक से प्रश्न मिलेगा बच्चों, वो एक अलग मजा देगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, फटाफट लगाओ बच्चों, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको। सभी मेरे बच्चे फटाफट लगा के बताएं। शानदार सा प्रश्न है, फटाफट लगाइए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए क्या होगी। चलिए बहुत सही बच्चों, बहुत सही। उदय तिवारी 48 बता रहे हैं, पूर्णिमा का सी आ रहा, अंशु सुमन भाई का बी आ रहा, धीरज सैनी का भी बी आ रहा। आ जाओ देखो, जो एक के साथ में काम करना वही सबके साथ में करना बच्चों। 1 × 5, 5 × 5, 25 सब में 5, 5 से गुणा किया है, 25, 25, 125 ठीक है। उसी तरीके से देखिए 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 28 × 2 = 56 उसी तरीके से 3 × 4 = 12, 12 × 4 = 48, 48 × 4 = 192 तो यहाँ पे 48 आपका आंसर बन जाएगा ठीक है। जो मल्टीप्लाई एक के साथ में वही मल्टीप्लाई सबके साथ में कर दो बच्चों। बताओ सबके समझ में आ गया? सभी बच्चे बताएं फटाफट, सबके समझ में आया भाई? आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, एक सीरीज दिया गया है 82, 92, 114, 133 फटाफट लगाइए। अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बड़ा आसान सा प्रश्न है बच्चों, फटाफट लगाओ। सभी बच्चे फटाफट लगा के बताएं, इसमें लिखा क्या है 82, 92, 97, 114 और 113 आगे क्या आएगा आपको ये बताना। बोलो बच्चों,
सभी लोग फटाफट कमेंट्स करके बताओ। चलिए देखिएगा, इनमें कितने का अंतर है 15 का, इनमें कितने का अंतर है 17 का, इनमें कितने का अंतर है 19 का, और इनमें आगे कितना हो जाएगा 21 का। 21 उठा के इसमें जोड़ दो, 3 और 1 4 और 1 और 2 3 और 134, ये आपका नहीं 134 15 17 19 21 सॉरी 133 है बच्चों, सॉरी 133 है यहाँ पे। तो 3 1 4 3 2 5 154 आ जाएगा, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है 154 आ जाएगा बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए आते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए कोई बात नहीं किट्टी, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको बताना है 63 का जो रिलेशन 9 के साथ में है, तो 14 का वही रिलेशन किसके साथ में होगा। फटाफट बताओ बच्चों, शानदार प्रश्न है, फटाफट बताइए। तिरसठ का जो रिलेशन 9 के साथ में है तो 14 का रिलेशन किसके साथ में होगा। बहुत बढ़िया अंशु, लेट्स लर्न भैया, स्वागत है आपका। 107 बच्चे लाइव हैं और 42 तो लाइक है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हाँ सब आराम से दाल भात खा के बैठे होंगे, का दिक्कत है। चलो देखो बच्चों, 6 + 3 किसके बराबर में आ जाएगा, 9 के बराबर में आ जाएगा। 6 + 3 किसके बराबर में होगा, 9 के बराबर में होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अगला मिल जाता है। तो अब यहां पे ऐसा क्या किया जाए कि ये तो ऑप्शन से ही सॉल्व होगा, किस ऑप्शन को पकड़ा जाए कि जोड़ने पे 14 आ जाए। बच्चों जिस भी विकल्प को पकड़िए जोड़ने पर 14 आ जाए, ठीक है। तो एक ही ऐसा विकल्प है, अगर हम यहाँ पे 68 रख दें तो 6 + 8 किसके बराबर में आ जाएगा, 8 6 14 के बराबर में आ जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े बच्चों, बताइएगा फटाफट। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न सीरीज का प्रश्न है 12 22 34 48, आगे क्या होगा ये आपको बताना है। अगली दो संख्या बतानी है इसमें, ध्यान रखना अगली दो संख्या कौन सी होगी ये आपको बतानी है। फटाफट बताओ बच्चों, अगली दो संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया परी, चलिए आते हैं। कोई भी प्रश्न हो सीरीज का है तो अंतर निकाल दो बच्चों, 12 10 22 फिर इसमें 2 2 4 12 का अंतर है, फिर इसमें 4 4 8 14 का अंतर है, 10 12 14 आगे 16 का अंतर होगा, तो 8 6 14 का 4 और 4 1 5 1 6 64 आ जाएगा। ठीक है जब 64 आ जाएगा तो आगे 18 का अंतर कर दो, लेकिन 64 से एक का ही ऑप्शन है यही है, और आगे 18 का कर देंगे तो ये आ जाएगा 82 8 4 12 82 हो जाएगा। तो अगला दो पद कौन सा मिला, 64 और 82, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है अंतर निकाल, कोई भी सीरीज का प्रश्न है अंतर निकाल के कर दीजिए,
और अंतर निकालते समय इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि एक सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सीरीज मनमाना चले। अगर सीरीज मनमाना चलता है समझ लेना हम सवाल को गलत कर रहे हैं। सीरीज का मतलब ही यही होता है कि एक श्रेणी में रहे, वो एक श्रृंखला में रहे, सीरीज का मतलब ही यही होता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी सीरीज का ही प्रश्न है, आज हम लोग ढेर सारा सीरीज का प्रश्न कर रहे हैं भैया। फटाफट बताओ आगे क्या होगा, सभी बच्चे फटाफट बताएंगे आगे क्या आएगा। झमाझम आंसर करो बच्चों सभी लोग। एबी सीरीज से ही रिलेटेड प्रश्न है, लेटर सीरीज का प्रश्न है बच्चों, फटाफट बताओ। आओ लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दो, 9, 11, 10, 14, 16, 15, 19, 21 और 20, ठीक है। लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दो तो 9 और ये 14 और 9, 5, 14 सब में 5, 5 बढ़ रहा बच्चों, 14, 5, 19 और 19 और 5 कितना आ जाएगा 24, 24वां अक्षर हो जाएगा X और X से हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। 11, 5, 16, 16, 5, 21, 21 और 5, 21, 5 कितना आ जाएगा 26, 26वां अक्षर जेड, एक्स जेड, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ये आपका बेस्ट आंसर बन जाएगा एक्स जेड वाई, ठीक है। 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 और 5, 25 मतलब वाई, क्लियर हो गया। डिफरेंस कोई भी सीरीज का सवाल है, बार बार कह रहे हैं कि अंतर निकाल दो, अंतर निकालते समय बस सावधानी रखना बच्चों कि अंतर गलत ना निकले, अंतर गलत निकलेगा तो गलत हो जाएगा, जैसे रेणु चौधरी ने गलत किया है, ठीक है। रेणु चौधरी गलत बता रहे हैं भैया, वी एक्स डब्लू नहीं होगा, वी एक्स वी जेड वाई होगा, गलत होगा तो गलत अंतर आंसर भी गलत ही आएगा। फूल का पत्ती से वही संबंध है, फूल का पत्ती से वही संबंध है जैसे पुस्तक का संबंध है किससे, पुस्तकालय से, लेखक से, पृष्ठों से या विषय वस्तु से, फटाफट बताओ बच्चों। फूल का पत्ती से वही संबंध है जिसका होगा, ये तो बड़ा शानदार सा आंसर है बच्चों, लेकिन देख रहे हैं ये मेंस में पूछा गया, अगर इतना सिंपल प्रश्न अगर मेंस में आ रहा है तो प्री में क्या आएगा फिर, हाँ। कई पंखुड़ियों, ठीक है, कई पत्तियों, पंखुड़ी मतलब पत्तियों से मिला करके फूल बनता है। जैसे अगर गुलाब की बात करें तो गुलाब अगर देखा जाए बच्चों तो कई पंखुड़ियों से मिला करके बनता है, ठीक है। गुलाब देखिए कई पंखुड़ियों से मिला करके बनता है, तो इसी को पंखुड़ी चाहे बोलो चाहे पत्ती बोलो। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कई पृष्ठों को मिला करके क्या बनता है, पुस्तक बनता है, ठीक है। जिस प्रकार कई पंखुड़ियों को मिला करके गुलाब बनता है, उसी प्रकार कई पृष्ठों को मिला करके क्या बनता है, पुस्तक बनता है, ठीक है। समझ गए सभी लोग, वो तो 11 को पता चलेगा, कोई पता नहीं चलेगा अखिल भाई, जो बंदा पढ़ा है ना वो लड़ाई से डरता नहीं है, जिसको अपने हौसलों पर विश्वास है पूरी तरह से वो बंदा, अगर आप डर के गाड़ी चलाओगे, अगर आप बाइक चला रहे हो डर के चला रहे हो तो पक्का लेके गिर जाओगे, भिड़ जाओगे। लेकिन हाँ अगर आपके अंदर हौसला है, ये दिमाग में ही न आए यार हम कहीं गिरे ना, ठीक है, ये दिमाग में ही ना आए कि हम कहीं गिरे ना, तो आप पक्का नहीं गिरोगे, ठीक है। समझ गए सभी लोग, चलिए आते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं बच्चों।
अगला प्रश्न कह रहा है मुंबई का जो रिलेशन कोलकाता, मुंबई कोलकाता और बेंगलोर के मध्य, बेंगलोर के मध्य में एक संबंध है, कौन सा संबंध है वो आपको सोचना है। निम्नलिखित में से कौन सा उसी प्रकार उनसे ही संबंधित है जो रिलेशन मुंबई कोलकाता और मैंगलोर का आपस में है, ठीक है, उसी प्रकार हैदराबाद कोचीन जयपुर और दिल्ली के बीच में कौन सा होगा, फटाफट बताओ भैया। वॉइस कम आ रही है, एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट्स करके बताओ, वॉइस क्लियर है बच्चों? एक बार सभी बच्चे फटाफट कमेंट्स करके बताओ, वॉइस क्लियर है? कह रहे सर कैलेंडर वाले प्रश्न नहीं आ रहे, एक बार आप उनकी क्लास ले लीजिए, जरूर ले लेंगे बच्चा कैलेंडर की क्लास, परेशान ना हो। वॉइस कम आ रही है, स्लो है बहुत। चलिए अब सही हो गया होगा बच्चों, ठीक है, फटाफट बताओ। देखिए ये क्या है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया और मैंगलोर हो गया, ये सब क्या है बच्चों, एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये सब एक तटीय क्षेत्र है। उसी प्रकार इनमें से कोचीन, कोचीन भी आपका क्या है, एक तटीय क्षेत्र है बच्चों, ठीक है, कोचीन भी आपका एक तटीय क्षेत्र है, इसलिए कोचीन आपका शानदार आंसर बन जाएगा। डी वाला नहीं होगा भैया, डी वाला नहीं होगा, बी वाला होगा, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में है, पश्चिम और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, बेंगलोर कर्नाटक में है, उसी प्रकार कोचीन जो केरल में है वो भी एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के, अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न बताइएगा फटाफट, सिंपल सा है, दिए गए चार विकल्पों में से तीन एक प्रकार के, इन चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो सेम है जबकि एक समूह से संबंधित नहीं है, उस एक को चुनिए जो दूसरे से भिन्न है, ठीक है, एक समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा है वो आपको बताना है, वृत्त है, चाप, त्रिभुज, स्क्रीन, पुस्तक, कवर या लैपटॉप का चार्जर से, ठीक है। ऊपर बोले आपको हैं, आपने रिप्लाई नहीं दिया, बहुत बढ़िया परी, इतनी तेज आपकी स्पीड है भैया टाइपिंग की, फटाफट बताओ भाई। चलिए देखिए, प्रत्येक वृत्त में क्या होता है बच्चों, चाप होता है, प्रत्येक पुस्तक की एक कवर होती है और प्रत्येक टीवी की क्या होगी, एक स्क्रीन होगी, लेकिन लैपटॉप और चार्जर ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, लैपटॉप अलग होता है, चार्जर अलग होता है बच्चों, ठीक है। विजय चौहान भैया डी होगा भाई, लैपटॉप अलग होता है भाई, चार्जर अलग होता है, कोई भी वृत्त होगा उसका चाप जरूर होगा, पुस्तक है तो पुस्तक में क्या होगा, एक कवर पेज होगा, लेकिन लैपटॉप में क्या होगा कि उसका चार्जर होगा, लैपटॉप और चार्जर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि लैपटॉप और चार्जर एक साथ में दिखे आपको। चले इसका बताइए, स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किसके साथ में होगा, असत्य, निष्पक्षता, सत्य या शुद्धता, फटाफट बताओ। मिथ्या, अब मिथ्या मीन्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 132 बच्चे देखो लाइक, डबल आधा है लाइक में।
चलिए बहुत सही बच्चों, बहुत सही। देखिए स्वप्न का संबंध किससे है? वास्तविकता से है। ये आपस में विपरीत है, अपोजिट है भैया। जिस पर जिस तरह का तरीके से स्वप्न का अपोजिट क्या होता है? वास्तविकता। हम सपना देख रहे हैं, हम स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अलग होती, हकीकत एकदम अलग हो गया। उसी प्रकार मिथ्या, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, ठीक है, और झूठ का अपोजिट क्या हो जाएगा? सत्य। ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी आपका, बी आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बताइएगा, एक्स तथा वाई भाई भाई हैं, फटाफट बताना बच्चों, अगला लगाओ फटाफट। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, गलत मत करना मेरे भाई। जमा जम लगाइए। एक्स तथा वाई भाई भाई हैं, वाई का पिता आर है, टी का भाई एस है, एंड एक्स यस यक्ष का मामा है, तो आर का टी से संबंध बताओ क्या होगा? माता, पति, भाई या पत्नी? हाउ इज आर रिलेटेड टू एस? फटाफट बताओ बच्चों क्या होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। डायग्राम बनाओ बच्चों, डायग्राम बनाएंगे तभी लगेगा उससे। डायग्राम पहले क्रिएट करिए, डायग्राम देखिए कैसे बनता। कह रहा है एक्स तथा वाई भाई भाई हैं, एक्स तथा वाई ये आपस में क्या है? भाई भाई हैं, ठीक है। वाई का पिता आर है, वाई का पापा आर हो गया, फिर आगे टी का भाई यस है, इस लाइन को छोड़ दो, और यस यक्ष का मामा है, यक्ष का मामा है एस, तो मामा है बच्चों, तो पहले मम्मी को बनाया, मम्मी का भाई मामा हो गया, और मामा कौन है? यस, यस यक्ष का मामा हो गया, और टी का भाई यस है, टी का भाई यस है, तो टी ए बी बन सकती है, ठीक है। फिर आगे कह रहा कि आर का टी से क्या संबंध होगा? आर का टी से क्या संबंध होगा? तो आर का टी से संबंध अगर पूछा जाएगा तो बराबर का निशान जो होता है वो पति पत्नी को दिखाता है, तो जिसके पास का लिखा जाता है वही आंसर बनता है। आर का टी से पूछा जा रहा था तो आर का टी से संबंध क्या हो जाएगा? पति पत्नी का होगा। बताओ बच्चों सबके समझ में आ गया? हस्बैंड वाइफ का होगा, एक ही आंसर दे सकते हैं नीलम। अगर ये कह दे कि आर और टी के बीच में क्या संबंध होगा, अगर बीच का रिलेशन पूछा जाता है तब पति पत्नी दोनों आंसर करते हैं, लेकिन अगर आर का टी से कह दिया तो पति होगा कि पत्नी होगा, यहां दोनों ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो जिसके पास का लिखा जाता है वही आंसर बनता है, आंसर हमेशा से का की तरफ दिया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। लेकिन अगर देखा जाए ना, हो सकता है कि टी की एक आध और बहन हो, यस की एक आध और बहन हो, तब उस कंडीशन में साली और जीजा का भी आंसर आ सकता है, लेकिन ना तो यहाँ पे साली दिया गया है, ना तो यहाँ पे जीजू दिया गया है, तो इसलिए ना तो हम साली को आंसर करेंगे ना तो हम जीजू को आंसर करेंगे। जैसे जैसे कथन कह रहा, जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया गया है, उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपना डायग्राम को क्रिएट करिएगा, ठीक है। पटनी नहीं बोलते, पत्नी बोलते हैं गधे, पटनी। सिस्टर को कार लिख, सिस्टर और कार को क्रमशः 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 7, 6, 5 लिखा जाता है, तो 6, 5, 5, 4, 2, 3 किसका कोड होगा? बताओ बच्चों फटाफट, फटाफट कमेंट्स करके बताओ बच्चों क्या होगा। पत्नी क्या होता है, यह तुम्हें बताना पड़ेगा कि पत्नी क्या होता है। आ?
पत्नी को, पत्नी जो होती है, पत्नी जो होती है वो आपके पापा की, आपके पापा की क्या होती है? पत्नी जो आपकी जो पत्नी है, आपकी जो पत्नी होती है वो आपके पापा की पुत्र वधु होती है। ठीक है, आपके पापा की क्या होती है? पुत्र वधु होती है। अब देखो, अभी उदय भाई आपने पूछा था ना, अब इसी पुत्र वधु से हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, एक मांत्रा बस हटा दे रहे हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि पुत्र वधु क्यों बोला जाता है। ठीक है, पुत्र वधु क्यों बोला जाता है ये आपके समझ में अब आ चुका होगा। चले आगे आ जाओ, देखा जाए यहां पे दो कोड दिया गया मेरे बच्चे, दो कोड दिया गया है और तीसरा हमसे पूछा जा रहा है। जब दो कोड दिया जाए, दो कोड दिया जाए और तीसरा अगर पूछा जाए, तीसरा अगर पूछा जाता है तो उन्हीं में से सिक्स का पूछा जा रहा, 6-5, 6-5 मतलब लास्ट के दो अक्षर उठा लीजिए तो 6 का क्या हो जाएगा? 6, और आर का हो जाएगा 5। तो ए और आर, फिर यहाँ पे आर। अब चार कहाँ पे लिखा है? चार लास्ट से दूसरे स्थान पे, तो लास्ट से दूसरे स्थान पे ई, ए डबल आर ई। बाकी देख लेते हैं, दो और तीन कहीं पे लिखा है? दो और तीन यहाँ पे एस टी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस टी हो जाएगा, अरेस्ट ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चला जाए आगे। इसको कॉमन कोडिंग डिकोडिंग भी कहा जाता है बच्चों, ध्यान समझना, इसको कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देख के बताइएगा क्या होगा। कॉर्पोरेट को लिखा जाता है ये, तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा? फटाफट बताइएगा, कॉर्पोरेट को लिखा जाता है ये, तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा? गलत मत करना बच्चों, ये भी एकदम सिंपल सा प्रश्न है, एकदम गलती मत करिएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है, फटाफट बताओ। चलिए देखिएगा, देखिए क्या लिखा है, CARPET, कॉर्पेट, और ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, TCEAPR, टी का 6, सी का 1, ई का 5, ए का 2 और पी का 4, आर का हो जाएगा 3। ठीक है, अब नेशनल का निकालना है, नेशनल का NATIONAL, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रखना है लास्ट वाला एल, जो लास्ट में है उसको एल रखना है, फिर उसके बाद एल के बाद पहला वाला लेटर रखना है, एन रखना है, फिर पांचवा लेटर रखना है, पांचवा लेटर ओ आ जाएगा, फिर दूसरा लेटर रखना है, ए आ जाएगा, फिर चौथा लेटर रखना है, चौथा लेटर आई आ जाएगा, एल एन ओ ए आई, एल एन ओ, एल एन ओ ए आई। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रहा का भाई, पहले छठवां लेटर रखा गया एन, अगर छठवां लेटर रखेंगे तब तो पहले ही से आंसर आ जा रहा बच्चों, एल एन डबल ए, ओहो एल एन डबल ए, पहले छठवां लेटर, लास्ट वाला पहले रखा एन, एल हो गया, फिर उसके बाद पहला लेटर रखा एन, फिर उसके बाद पांचवां लेटर रखा ओ आ रहा, इसमें पांचवां लेटर,
NATIONAL, सही तो है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी आंसर बन रहा है, ये भी आंसर बन जा रहा उसके सीक्वेंस के अनुसार देखा जाए। फर्स्ट, पहले फर्स्ट लेटर फिर लास्ट लेटर, जो डिजिट है उसी के अनुसार रखा है। ठीक है, डिजिट के अनुसार रखा है बच्चों इनको। आठ एक सात, दो छः, तीन पाँच चार। ठीक है, नंबरिंग से नहीं हो रहा है। अगर क्रॉस लेकर के चलेंगे तो क्रॉस में अगर देखा जाए, क्रॉस से अगर लगाएं तो आर यहाँ पे आया और दो यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, फिर चार। मनमाना चल रहा है एकदम से, एक तरीके से देखा जाए तो मनमाना चल रहा। अगर उसी तरीके से हम इसको उठा के लगा दें तो लास्ट वाला यहाँ पे आएगा L, फिर उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे आएगा A, फिर उसके बाद तीसरा वाला लास्ट से यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे जैसे सीरीज इसमें बनाया है वैसे वैसे बनाएंगे, तब जाकर के आपका ये वाला आंसर आएगा बच्चों। जैसे जैसे सीरीज बना वैसे वैसे बनाएंगे, तब जाकर के ये आएगा। ठीक है, आ जाओ आगे। ऑटोमेटिकली शब्द से ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता, फटाफट बताओ, जो हम उसको फॉर्म नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सी है बच्चों, देख लीजिएगा। इसमें आप बताइए जो हम नहीं बना सकते, फटाफट बताओ, सभी बच्चे फटाफट बताएंगे जो हम नहीं बना सकते। कौन कौन सा नहीं बनेगा? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली में देखिए इसमें एन लिखा है और यहां पे कहीं भी एन नहीं है तो एक तो यही नहीं बनेगा। दो, दो इसमें भी है, इसमें भी है, और ऑटोमेटिकली टी भी है, ओ भी है, एम भी है, ए भी है, टी भी है, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे दो बार ओ लिखा है। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सी वाला बनेगा। ठीक, चलिए आज इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस के 2022 के सीसैट के प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, यूपीपीसीएस के 2022 के हम लोग सीसैट के प्रश्नों पे कल हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो कल कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं शशिधर दुबे एक बार पुनः आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया हूँ समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी मित्रों का, सुधी पाठकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का, सभी का हृदय से आभार एवं अभिनंदन प्रकट करने के लिए। मित्रों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर समीक्षा बैच की कड़ियों को समेटा जा रहा है और उन्हीं कड़ियों को लेकर के हम लोग अपने अंतिम प्रयासों को सुनिश्चित कर रहे हैं।
ताकि हम वहां अच्छा कर सकें जब हमारा पेपर हो, ठीक है ना। तो समय तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहीं पर देखिएगा सूचना के स्तर पर 80, 81, 25, 54, 44 यानी जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं इसकी पीपीटी या पीडीएफ आप तक कैसे पहुंचेगी उसमें इस व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आर ओ लिख करके भेजने पर आप तक ये चीजें सुलभता से पहुंच जाती हैं। तो ये सूचना के स्तर पर था, ठीक है ना। यहीं पर देखिएगा हम लोग उत्तर प्रदेश विशिष्ट को लेकर के चर्चा पर चर्चा को आयामित कर रहे थे, ठीक है भैया। उन्हीं कड़ियों में मैं आज आगे बढ़ूंगा, कल किसी कारणवश मैं नहीं आ सका, उस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। फिलहाल हम लोग अब अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए यहां पर उत्तर प्रदेश विशिष्ट को लेकर के देखिये ये पूरा मैप है। यहीं से आपके 10-12 प्रश्न के लिए चुनौतियां पेश होंगी परीक्षा के प्रश्न पत्र में। और यहीं पर देखिएगा पहले नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो भैया जितने भी मेरे मित्र जुड़ रहे हैं सभी का मैं हृदय से आभार अभिनंदन प्रकट करता हूं। और जल्दी से जल्दी जो भी लोग इधर उधर हैं आ जाइए, क्योंकि 40 मिनट की क्लास में बहुत सारे कम से कम 50+ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही माहौल बनाते हैं जो हमें परीक्षा में जाकर के महसूस होता है, उस प्रेशर को फील करते हैं। तो भैया ठीक है आइए बिल्कुल आंसर मोड में आते हैं। तो यहां पर देखिएगा तीन स्तर पर हम लोग काम करेंगे, उत्तर प्रदेश और सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र हैं यानी कि प्रश्न विविधा के नाम से जो हम लोग चला रहे हैं उसको। और उसके बाद हम तीसरी कड़ी लेकर के आ जाएंगे सामान्य हिंदी की जो 60 अंकों के लिए उत्तरदायी होगी। तो भैया मेरे यहां पर देख सकते हैं आप, ये पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्या कहता है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न लंबा चौड़ा है लेकिन इस प्रश्न का सार संक्षेप यही पूछना चाह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो कि क्रांतिकारी नेता रहे, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई है। और इस ऑप्शन की एक विशेषता यह भी होगी, इस ऑप्शन की विशेषता क्या है कि इसमें वह जनपद दिया गया है जहां पर राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। 1897 11 जून 1897 में राम प्रसाद जी का जन्म भी हुआ था, तो वहां पर यह जयंती मनाई गई है। तो प्लीज भैया आंसर करिएगा पहले का बी। देखिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप सभी के आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। और मैं सभी का स्वागत करता हूं, प्रीति तिवारी, पूनम विकास, हर्षिता उपाध्याय, रोहित कुमार, अमृता द्विवेदी, अमन विराट, राजकमल तिवारी, शालू वर्मा, विजय लक्ष्मी गिरी, अरुणाचल सिंह, लेट्स लर्न, सभी का स्वागत है भैया। और मैं करता भी रहूंगा बीच बीच में। फिलहाल दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है उत्तर प्रदेश विशिष्ट के चुनिंदा प्रश्न है जो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आते रहे हैं और फिर संभावना है कि इस परीक्षा में आपको दोबारा देखने को मिले। तो प्लीज इसका भी आंसर करिएगा कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थापित है, श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डी ऑप्शन तो मैं नहीं खारिज कर दिया, बाकी सही का चुनाव आप फटाफट कर दीजिए। क्या सही मानते हैं, अपूर्वा द्विवेदी, विजय लक्ष्मी गिरी, रामानंद सागर, रामदत्त, आशीष शुक्ला, मानवी तिवारी, पंकज यादव, भैया सभी के आंसर आ रहे हैं यहां पर, दीपचंद, आनंद मौर्य, साइना, उदय चंद्रा, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात, देखिए महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है, विठूर में है, ठीक है ना, यानी कानपुर से 11 किलोमीटर दूर, तो कहीं ना कहीं ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट के ही पास पड़ता है विठूर, और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। तो बी आंसर आपने किया है, बिल्कुल सही आंसरिंग पैटर्न पर है। यहीं पर देखिएगा तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा कि आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है किस पंथ से संबंधित है। चार ऑप्शन मिलते हैं, कबीर पंथ से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, या रामानुज संप्रदाय से संबंधित है, या राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। तो भैया इसका क्या सही आंसर करना चाहेंगे, फटाफट आंसर करिएगा। राजन कुमार, सीमा सिंह, आभा यादव, आरती बिंद, सभी का मैं स्वागत करता हूं, रेणु चौधरी, बेबी अंजुम, सभी का भैया स्वागत है, पंकज यादव, रामपाल यादव जी। तो आंसर करिएगा दयाल बाग कहां से संबंधित है, किस पंथ से। तो ये कबीर पंथ, नाथ संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय से नहीं। आप सबके आंसर भी आ चुके हैं, अरुणाचल सिंह ने भी कहा है, सॉरी अरुणाचली सिंह ने कहा है दी आंसर, बिल्कुल सही कहा बेटा। तो यहां पर राधा स्वामी पंथ से संबंध रखता है कौन, आगरा का दयाल बाग। अब यहीं पर देखिए अगला प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, सुमेलन का है, सूची 1 सूची 2 के अनुसार पहली सूची में क्या किया गया है कि कुछ
स्थापत्य की बातें करता है और यह किन व्यक्तित्व ने इनका निर्माण कराया इससे संबंधित होगा सूची दो। तो प्लीज यहां पर सुमेलन करिएगा कि फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, आगरा, जामा मस्जिद, बदायूं, ठीक है ना। तो भैया आंसर करिएगा, देखिए जामा मस्जिद, बदायूं, इल्तुतमिस, ठीक है ना। एक तो मुझे पता था सो मैंने बता दिया, बाकी के आप बता दीजिए। और यहां पर हाँ बिल्कुल तीसरे के सी को लेकर, अच्छा ठीक है। आप परी बेस्ट वीडियो, श्वेता विश्वकर्मा, जूली सिंह सिसोदिया, भैया सभी का स्वागत है, आभा यादव, राहुल कुमार, आनंद मौर्या, अर्चना त्रिपाठी, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। आंसरिंग आप पैटर्न आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अच्छी बात है। यहां पर देखिए फतेहपुर सीकरी आगरा अकबर से संबंधित है, ठीक है। यहीं पर जौनपुर, जौनपुर किससे संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक से। जौनपुर किससे संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक से। और आगरा, आगरा का किससे संबंध हो जाएगा, यहां पर हम देख सकते हैं सिकंदर लोदी से। तो हमारा सही सुमेलन क्या हो जाता है, तीन चार एक, तीन चार दो एक, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाता है, तीन चार दो एक, ठीक है ना। सभी ने श्रेष्ठ विचार, बिल्कुल आपका स्वागत है भैया जुड़ने के लिए, और आंसर पैटर्न पर फॉलो होते जाइएगा। यहीं पर देखिएगा, उसी प्रेशर को फील करिए, 40 मिनट में हम 50 प्लस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं ताकि हम परीक्षा में जाके थोड़ी सहजता का अनुभव कर सकें। यहीं पर देखिएगा छठवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, छठवें नंबर का प्रश्न यह है, जनपद दिया गया है और दूसरी तरफ उसके मुख्यालयों की बात करता है। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे भी जनपद हैं जिनके मुख्यालय उस जनपद के नाम से नहीं है, तो फिर अलग अलग नामों से हैं, तो यहां पर सुमेलन के लिए प्रश्न बनते ही रहे हैं। तो यहां पर आप क्या सही आंसर करेंगे, बिल्कुल आंसर करते चलिएगा। और यहां पर देखिए पंकज यादव जी बिल्कुल लिख कर बताते हैं, 1504 आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इससे यह जाहिर होता है कि आपने अपनी तैयारी को बिल्कुल चाक चौबंद बना के रखा है, यह बहुत खुशी की बात है। यहीं पर देखिएगा अंबेडकर नगर, अब अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर, ठीक है ना। कानपुर देहात का मुख्यालय क्या है, अकबरपुर माती, ठीक है ना। यहीं पर जालौन, जालौन का मुख्यालय क्या है, उरई। और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय क्या है, नवगढ़। तो भैया आपका सही सुमेलन क्या हो जाता है, तीन एक चार दो, तीन एक चार दो, यानी कि ये आपका डी आंसर यहां पर जो विकल्प में दिया गया है सही हो जाता है। बाकी सभी ने यहां पर आंसर भी किया हुआ है, आदित्य, वीर सिंह, रोमा, रोमा दुबे, प्रीति तिवारी, आरती बिंद, आभा यादव, पूनम विकास, आशीष शुक्ला, बेबी अंजुम, सभी के आंसर आ रहे हैं। भैया अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश की, नौ ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को आबद्धित करते हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहां पर बताइएगा कि वह कौन सा ऐसा भी स्टेट है जिससे कि उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये डी ऑप्शन तो सही नहीं है, फिर सही क्या हो जाएगा, तो यहां पर आंसर करिएगा। उदय चंद्रा जी हाँ बिल्कुल स्वागत है, विजय लक्ष्मी गिरी, आशीष शुक्ला, अलका श्रीवास्तव, पंकज यादव, भैया सबके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है यहां पर। और ये कॉनेक्सली टेक्नोलॉजीज ने कहा है सातवें का बी आंसर सही है, बी का मतलब पंजाब को मानते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा है इन्होंने भैया, पंजाब क्या है, पंजाब नहीं लगा हुआ है, बाकी नौ राज्य लगे हुए हैं। अब जिनमें से कि आपका राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद क्या, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, तो ये सारे के सारे राज्य सटे हुए हैं, पंजाब नहीं लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि, या कृषि को ही शस्य भी कहा जाता है, जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि या शस्य जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो प्लीज यहां पर आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो जब कई बार पूछा गया है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इस बार नहीं पूछा ही जाएगा, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। तो यहां पर आंसर करिएगा क्या सही मानते हैं यहां पर आप। अब यहां प्रेम सिंह, आनंद मौर्य, जूली सिंह सिसोदिया, राजेंद्र प्रसाद, सीमा सिंह, रोहित कुमार, माही यादव, सभी का स्वागत है, आंसर भी करते रहिएगा। उदय चंद्रा जी बिल्कुल, तो यहां पर कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, नव जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहीं पर नव जलवायु क्षेत्रों के बारे में हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है
पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, यहीं पर दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क और मध्य मैदान बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। तो ये 9 ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि सस्य के रूप में उत्तर प्रदेश की विभाजन को दिखाते हैं, उसके कृषिगत विभाजन को जलवायु क्षेत्र में, ठीक है ना। यहीं पर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ये देखिए बहुत ही जाना पहचाना परिचित सा प्रश्न आ गया होगा, तो प्लीज यहां पर आंसर भी करिएगा। चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। तो भैया कौन सा ऐसा है जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है ना। यहाँ पर सीमा सिंह ने 9 लिख करके बताया, बहुत अच्छी बात है। अमन विराट, राहुल कुमार, सभी के आंसर आ रहे हैं। उदय तिवारी, हाँ अच्छा लाइट आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। साधना शुक्ला, रमेश सिंह, रामपाल यादव, पंकज यादव, सभी के आंसर आ रहे हैं। भैया अलका जी का भी। तो यहाँ पर नौवें प्रश्न को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, देखिए यहां पर सी लिख करके भी आना शुरू हो गया आंसर, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, 2073 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, और इस लिहाज से ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हो जाता है। यहीं पर देखिए अगला प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। अब जरा बताइएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, चूंकि अभयारण्य कि जहां पर कोई भय ही नहीं हो, ऐसे जंगल जीव जंतु अपने मस्ती में रहते हो, तो ऐसे वन्य जीव अभयारण्य में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। सोनभद्र में है, बहराइच में है, लखीमपुर खीरी में है कि चंदौली में है। तो भैया बताइएगा यहां पर प्रदीप कुमार, अर्चना त्रिपाठी, ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, लिख करके भी बता रहे हैं आंसर। रोहित कुमार, क्रिएट नेचर, पंकज यादव, लेट्स लर्न, रूमा रोमा दुबे, श्रेष्ठ विचार, साधना शुक्ला, रावण भी आ गए हैं भाई, स्वागत है आपका। चलिए तो यहां पर देखिएगा चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य के लिए क्या सही है, बिल्कुल लिख करके बता रहे हैं, चंदौली, चंदौली जिले में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न संख्या 11 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब जरा फिर से देखिएगा, वन्य जीव अभयारण्य पे कई सारे प्रश्न बराबर आए हैं, तो हम उसी चीजों को लेकर के आए हैं। जरा बताइएगा, कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलन कौन सा है, बाकी तो गलत ही होंगे। जैसे बखीरा वन्य जीव अभयारण्य उन्नाव में है या फिर कहीं और है, ओखला वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर से संबंध रखता है या फिर नहीं रखता है, सांडी वन्य जीव अभयारण्य हरदोई से संबंध रखता है या नहीं, और महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य बस्ती से संबंध रखता है कि नहीं। तो प्लीज इसमें कौन सा सही सुमेलन है, इसका आंसर करिएगा। और यहां पर प्रश्न संख्या 11 को लेकर के भैया, देखिए ये तो संत कबीर नगर में है, ठीक है ना, कौन सा, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, तो ये उन्नाव में नहीं है बल्कि कहां पर है, संत कबीर नगर में। यहीं पर आप देख सकते हैं ओखला वन्य जीव अभयारण्य जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है ना, ललितपुर में नहीं है, ये गौतम बुद्ध नगर में है। तो फिलहाल यहां पर ललितपुर यानी बी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हुआ। यहां पर हम सी देख सकते हैं, सांडी वन्य जीव अभयारण्य जो कि कहां पर है, हरदोई में है, हाँ ये बात सही है। और यहीं पर महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ये है ललितपुर में, ठीक है ना, ललितपुर में है ना कि बस्ती में। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारा सी आंसर सही हो जाता है, और आप सबने आंसर भी किया हुआ है। अपूर्वा द्विवेदी, आभा यादव, करीना श्रीवास्तव, यश बेबी, अंजुम, सभी के आंसर आए हैं। यहीं पर देखिएगा प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। अब ये प्रश्न तो शायद ही कोई गलत करे, नहीं करेगा, बेहोशी में ही हो सकता है, होशो हवास में तो गलत होने वाला नहीं है। पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि का जो मापन होता है उसकी इकाई क्या है, कनाल, मारला, बीघा, धुर। तो सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में जब क्रय विक्रय होता है भूमि का, तो लोग किस उसमें बात करते हैं कि इतना ले लीजिए या इतना दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए करीना श्रीवास्तव, ठीक है, आभा यादव, स्वागत दुबे, बिल्कुल स्वागत है भैया आपका यहां हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।
पढ़ने वाले सभी बच्चे हैं तो पंकज यादव जी ठीक है ना सी बताते हैं, बिल्कुल सही कहा भैया। यहाँ पर बीघा ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है, बीघा है। और इसी के आगे चलते हैं, साधारण सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किस मामले में, गन्ना में, धान में, आलू में, गेहूं में। तो भैया बताइएगा, यहां पर आचिर परिचित सा प्रश्न होगा आपके लिए। हाँ बीघा है, बिल्कुल सही कहा पूर्वा द्विवेदी जी, गरिमा सिंह, यश, आभा यादव, शिव सिंह, हर्षिता उपाध्याय, अमन विराट, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, निशा कुमारी, रावण जी, 13 का बी बताते हैं। अच्छा धान को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त है भाई। और यहाँ पर रोहित कुमार ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, तो बिल्कुल सही कहा है धान के मामले में ठीक है ना, धान के मामले में द्वितीय स्थान पर है, बाकी गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, इन सब के मामले में क्या है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यहीं पर संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, धान के मामले में, धान या चावल के मामले में पहले स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल है ठीक है ना, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल है ठीक है ना। चलिए यहीं पर देख लीजिए, और एक चीज इसी से संबंधित जान लीजिए कि चावल का टोटल कृषिगत क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, चावल उत्पादन के टोटल कृषिगत क्षेत्र यानी कितने क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जा सकता है या किया जा रहा है, इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, चावल के उत्पादन के मामले में फिर क्या हो गया, दूसरे स्थान पर है, फिर कौन आ जाता है, वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर। यहीं पर देखिए अगला प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 14 देखिए, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है, मतलब कौन सबसे कम समय में उपज प्रदान कर देता है या उगाता है, चना, मसूर, अरहर, मूंग। तो भैया फटाफट आंसर करिएगा, कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे कम समय में या कम न्यूनतम अवधि में उग आती है या फसल प्रदान कर देती है। और यहाँ पर गरिमा सिंह, अर्चना त्रिपाठी, उदय तिवारी, पंकज यादव ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा लिख करके भी बताया है, अच्छी चीज है। तो यहाँ पर देखिएगा भैया सबसे न्यूनतम अवधि वाला कौन सा है, यहाँ पर देखिए राहुल कुमार जी, किट्टी, आंसर भी आना शुरू हो गया, अलका श्रीवास्तव, लेट्स लर्न, साधना शुक्ला, भैया सभी लोग बिल्कुल धड़ल्ले से कर रहे हैं, मूंग, यानी कि मूंग सबसे न्यूनतम अवधि में उगने वाला फसल है, चना, मसूर, अरहर, मूंग के बारे में, तो जो दलहनी फसलें हैं उसमें सबसे जल्दी उपज कौन प्रदान करता है, मूंग, बहुत अच्छी बात। यहीं पर देखिएगा प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। अब जरा बताइएगा, हाँ ये बताइएगा, आम वाला तो मलिहाबाद आप लोगों ने देखा, पर संतरे के मामले में कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक उत्पादक है, किस मामले में, संतरे के मामले में, फर्रुखाबाद, लखीमपुर या सहारनपुर या फिर बलरामपुर। तो भैया फटाफट आंसर करिएगा यहां पर, और इंजीनियर आलोक विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं, इन्होंने पिछले प्रश्न का उत्तर मूंग लिख करके बताया है, अच्छी बात है। अमृता द्विवेदी, पंकज यादव, रूमा रोमा सिंह, सभी के आंसर आ रहे हैं। अलका श्रीवास्तव ने कहा 15वें का सी, बिल्कुल सही कहा भाई अलका ने, बिल्कुल सही कहा है, सहारनपुर, संतरे के मामले में सहारनपुर क्या है, सर्वाधिक उत्पादकता प्रदान करने वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो यहीं पर सी हो गया, इसी के आगे हम आते हैं, अब हम लोग आ गए, देखिए उत्तर प्रदेश की चीजों को हम लोगों ने देख लिया, प्रेशर हैंडल किया, अब फिर से एक प्रेशर और हैंडल करना है 140 क्वेश्चन को लेकर के, देखते हैं वहां पर कितने आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो आइए प्लीज रैपिड फायर सेशन में आपका सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं एक साइड में सूची 1 में, और यहीं दूसरी साइड में या सूची 2 में नदी जिस पर अवस्थित है, यानी कि कौन सी बस्ती किस नदी पर अवस्थित है, प्राचीन इतिहास का, भारत के इतिहास का प्रश्न है। तो यहां पर आंसर करिएगा हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। सेकंड हाफ में आप देख सकते हैं भगवा, घग्घर, रावी और सतलज, ये नदियों के नाम है। तो प्लीज भैया सुमेलन करके सही कूट का चयन करिएगा, क्या सही मानते हैं अब आप यहां पर, ठीक है ना, बिल्कुल आंसर करते चलिए।
देखिए यहां पर हड़प्पा रावी, चलिए मुझे एक एक पता था, बाकी का सुमेलन आप करिएगा पंकज यादव, ठीक है ना, पहले प्रश्न के लिए। अच्छा अमृता द्विवेदी 16 वाले रेंज में नहीं बेटा, पहले क्वेश्चन का दीप चंद, पंकज यादव, अमृता द्विवेदी, पूनम विकास, राहुल कुमार, बेबी अंजुम, आयुष वर्मा, आभा यादव, सीमा सिंह, जूली सिंह सिसोदिया, सभी के आंसर आ रहे हैं। उदय तिवारी, अर्चना त्रिपाठी, सभी के आंसर आ रहे हैं भैया। तो यहां पर देखिएगा कालीबंगा, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, यहीं पर रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो लोथल किसके किनारे हो जाएगा, फिर भोगवा नदी के किनारे। तो सही सुमेलन क्या हो गया, हड़प्पा रावी, यानी कि 3-2-1-4, 3-2-1-4, यानी बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाता है, 3-2-1-4। आप सभी ने आंसर भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर चमक रहा होगा क्या, कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए, महात्मा बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे, शतानीक, उदयन, बोध, निचक्षु। तो भैया फटाफट आंसर करिएगा, बिल्कुल आंसर आपका अपेक्षित है। ये आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं और देखना यह है कि इसमें से आपको बचाव क्या करना है, एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो अब यहां पर बताइएगा पढ़े गए प्रश्नों का है क्या इसमें सही मानते हैं, ठीक है ना। और यहां पर दूसरे के लिए भी अमृता द्विवेदी ने बिल्कुल कह भी दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है, शतानी, बोध और निचक्षु के शासन काल में नहीं बल्कि उदयन के काल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी में आए थे, ठीक है ना। तो हमारा बी आंसर सही हो जाता है और यहां पर आंसर भी बराबर आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत अच्छी बात है। यही अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सुजीत जी ने भी आंसर किया है, अभय यादव, उदय तिवारी, दिलीप शुक्ला, विजय लक्ष्मी गिरी, इंजीनियर आलोक विश्वकर्मा, हर्षिता उपाध्याय, सबके आंसर है भैया। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिएगा कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। अब देखिएगा प्रश्न आप ही के पाले में है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप प्लीज सही आंसर करिएगा कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। किससे प्रमाणित होता है, ग्रीक विवरणों से प्रमाणित होता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से प्रमाणित होता है, जैन परंपरा से प्रमाणित होता है, या फिर अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से प्रमाणित होता है। तो किससे प्रमाणित होता है, प्रश्न संख्या 3 के लिए यहां पर क्या आंसर करेंगे, और देखिए सभी के आंसर आ भी चुके भाई, बी को लेकर के आ रहे हैं, बी का मतलब, अच्छा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, बिल्कुल सही कहा है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का एक अंग था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, ठीक है ना। तो बी आंसर आप सभी ने किए भी हैं, अच्छी बात है। यहीं पर देखिए अगला प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 आप देखिएगा कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुहना, अब उस मस्जिद का क्या नाम है, किलाए कुहना, और कहां पर है, ये दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी हुई मस्जिद है। अब ये पूछना है कि इसका निर्माण किसने किया था या किसने करवाया था, हुमायूं ने, शेर शाह ने, अकबर ने, या फिर शाहजहां ने। तो भैया फटाफट यहां पर सही आंसर करिएगा, प्रश्न संख्या 4, और यहां पर देखिएगा राहुल शर्मा जी सबसे पहले आंसर करते हैं, भाई प्रशंसनीय है, चौथे का बी बताते हैं, शेर शाह को बताते हैं, ठीक है ना। यहीं पर देखिए अमृता द्विवेदी, दीपचंद, बेसिक एजुकेशन बाई डिंपल भी आ चुकी हैं, इन्होंने भी कहा बी आंसर सही है। तो भैया बिल्कुल आप लोगों का तो बिल्कुल जोरदार तरीके से हो रहा है, शेर साहब बिल्कुल सही आंसरिंग कर रहे हैं, गलत तो किसी का हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो किलाए कुना किसने निर्माण करवाया था, शेर शाह ने, और जो कि क्या है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी हुई एक मस्जिद है। अब यहीं पर अगला प्रश्न आप देखिए क्या है, पांचवा प्रश्न क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हेक्टर, मुनरो, बक्सर का युद्ध। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जितने भी लॉर्ड्स थे, ठीक है ना, या जितने भी गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, उनके समय में यहां पर कौन कौन से युद्ध हुए, अब इसमें कौन सा ऐसा है जो सुमेलित सही नहीं है, तो हेक्टर, मुनरो, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। यहीं पर हम देख सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेसली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और फिर लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो भैया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आप फटाफट आंसर कर दीजिए यहां पर। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए आंसर के लिए, अरे बिल्कुल यहां पर देखिए डी, डी के लिए सभी के एक स्वर में आए हुए हैं। यहां पर अमृता द्विवेदी, बेसिक एजुकेशन बाय डिंपल, रामपाल यादव, पूनम विकास, उदय
तिवारी जी सभी के आंसर आ रहे हैं भैया डी को लेकर के, यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुए थे, ये किसके समय में हुए थे, ये हुए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, ये किसके समय में हुए थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुए थे, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में भी 1817-18 में हुए थे, ठीक है ना, 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, ना कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाता है, आप सबने आंसर भी किया है, अच्छी बात है। यहीं पर देखिएगा छठवें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न हो गया, क्या कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। वैसे पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय तीन ऐसे स्थान थे जहां पर क्या किया गया था, समानांतर सरकारों का गठन किया गया था, लेकिन अभी आपके उत्तर प्रदेश विशिष्ट का भी प्रश्न बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में कौन सा जो है कहां पर किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। तो भैया क्या सही आंसर करेंगे, छठवें का बता रहे हैं बी, अच्छा बलिया में, देखिए जितेंद्र कुमार यादव जी कहते हैं बलिया में, आनंद सिन्हा, पूर्णिमा देवी सभी आंसर कर रहे हैं सी को लेकर के, बिल्कुल सही कहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी बलिया में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे कौन थे, चित्तू पांडे, ठीक है ना, चित्तू पांडे जी क्या थे, इस समानांतर सरकार के नेतृत्वकर्ता थे। तो कुल मिलाकर हमारा सी आंसर सही होता है, बाकी के आंसर सही नहीं है। यहीं पर देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा। तो भैया आंसर करिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर क्या सही मानते हैं, किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा, तो फटाफट आंसर करिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो भैया आंसर करिएगा, क्या सही मानते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसी के बाद आपको हिंदी भी देखनी है, तो प्लीज थोड़ा रैपिड फायर सेशन है, तो रैपिडली आंसर करिएगा। प्रश्न संख्या सातवें को लेकर के, सातवें का भी देखिए, अलका श्रीवास्तव, हर्षिता उपाध्याय, सभी के आंसर आने भी शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही कहा भैया, यहाँ पर बी बिल्कुल सही कहा है, महान प्रहरी किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी है, महात्मा गांधी ने दी है, तो बी आंसर सही होता है। यहीं पर देखिएगा अगला प्रश्न संख्या आठ क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था, नहीं था, नकारात्मक प्रश्न है, स्वाधीनता के पूर्व, ठीक है ना, कौन नहीं था, रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, शिव कुमार बटालवी। तो भैया कौन सा सही होगा, यहां पर अब आपके द्वारा पढ़े गए प्रश्न है, यहां तो गलत नहीं होने चाहिए। पूनम विकास, अर्चना मिश्रा, गरिमा सिंह, अमृता द्विवेदी, सुजीत, सुजीत जी बिल्कुल, गरिमा सिंह, ठीक है सभी के आंसर आ रहे हैं, श्वेता विश्वकर्मा, दीपचंद, विकास राय। तो यहां पर देखिएगा बिल्कुल, यहां पर डी के लिए बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं, यानी कि शिव कुमार बटालवी क्या थे, ये राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, ये एक तरीके से रोमांटिक पोएट थे, ठीक है ना, ये रोमांटिक कवि थे, ठीक है ना, यानी कि कहीं ना कहीं इनके रचनाओं का मुख्य केंद्र भी विषय क्या होता था, प्रेम होते थे, प्रेम प्रसंगों को लेकर के, बिछोह को लेकर के ऐसी रचनाएं करते थे। तो कुल मिलाकर ये क्या थे, डी हमारा इसका आंसर हो जाता है। यहीं पर देखिएगा अगला, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन, हाँ भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर पूछा गया है और बड़े ही महत्व का प्रश्न है। तो भारत में संघीय शासन की जो व्यवस्था की गई वो किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो प्लीज आप इसको आंसर करिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई, या फिर भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा की गई। तो यहां पर बताइएगा प्लीज आंसर करके, और यहाँ पर विकास राय जी ने लिखकर बताया, ठीक है बहुत अच्छी बात, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताते हैं, अच्छी चीज है भैया। अमृता द्विवेदी, उदय तिवारी,
और यहां पर नौवें का लेकर के सी, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल इसमें तो किसी को कंफ्यूजन था ही नहीं है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी भारत में, तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न भी आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, कहां पर व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों में की गई है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में की गई है, या फिर मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है, या फिर संविधान के पाठ में कहीं नहीं की गई है? तो आप क्या सही मानते हैं? तो बताइएगा कि जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कहां पर की गई है, यानी आदर्शों की व्याख्या कहां पर की गई है? बिल्कुल विकास राय, दिव्य मणि त्रिपाठी जी भी करें, सी सी करें, बहुत अच्छी बात है भैया, आंसर बिल्कुल आने भी शुरू हो गए हैं दसवें का सी को लेकर के, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात लगती है कि आप अपनी तैयारी में कहीं से भी कमजोर नहीं दिखते हैं। मैं तो भरपूर प्रयास करता हूं कि दो चार प्रश्न आपके गलत आए, पर आते ही नहीं है, अच्छी बात है। तो यहां पर देखिए दसवें का बिल्कुल सी सही ऑप्शन हो जाता है कि आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा हर जगह मिलती है, यानी कि मूल अधिकारों में भी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भी, और मौलिक कर्तव्यों वाले अध्याय में भी मिलती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहीं पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? जरा ध्यान दीजिएगा, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है बी आर अंबेडकर के द्वारा, किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, या फिर अनुच्छेद 29? तो भैया फटाफट आंसर करिएगा, क्या सही मानते हैं आप यहां पर? और 11वें का डी यहां पर बताया जा रहा है, रमेश सिंह जी कहते हैं सी 29। 29 तो नहीं है बेटा। विकास राय आर्टिकल 32 लिखकर बताते हैं, अच्छी बात है भाई। साइना, आशीष शुक्ला, अमृता द्विवेदी, बेबी अंजुम, अर्चना त्रिपाठी, सभी के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। लेट्स लर्न किटी, राजू, वरुण, सभी के आंसर बिल्कुल सही कहा है। संविधान अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या उपबंधित करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है, और इसी को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ऐसे सामान्य रूप से संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? सामान्य रूप से संविधान की आत्मा को कहा गया है उद्देशिका को, या प्रस्तावना को, या फिर उसके प्रीएम्बल को, ठीक है ना? तो उद्देशिका को सामान्य रूप से कहा गया है, उद्देशिका की बात करेंगे तो ये आत्मा, इसको इसके लिए कहा गया है सामान्य रूप से। लेकिन बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसी को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो इसलिए आज हमारा डी आंसर सही हो जाता है। यहीं पर देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी आपको दिख जाएगा सूचीबद्ध तरीके से, सूची एक, सूची दो। अब क्या कहते हैं कि न्यूनतम आय अर्हता और ऑफिस या पद, यानी कि कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम क्या आय होनी चाहिए, पंचायत सदस्य होने के लिए क्या आयु होनी चाहिए, राज्य विधानसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु की कौन सी अर्हता लगेगी, और राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए हम किस न्यूनतम आयु पर विचार करें? तो यहां पर भैया सुमेलित करके बताइएगा, प्रश्न संख्या 12 को लेकर के आपके मन में कैसे प्रश्न उठते हैं? और यहां पर आशीष शुक्ला, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। विकास राय, अच्छा चलिए ठीक है भाई। अमृता द्विवेदी, बेबी अंजुम, उदय तिवारी, अमृता द्विवेदी, धीरज दुबे, सभी के आंसर आ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगी बेटा, आप वहां पर जो 80 81 25 54 44 व्हाट्सएप कम्युनिटी नंबर है उस पर आर ओ लिख करके भेजेंगे, फिर वहां से वो प्रक्रिया कैसे होती है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट आपको उसे मिल करके वो आपको बताएगा कि कैसे आप तक पहुंचेगी, ठीक है ना? तो यहां पर फिलहाल आंसर करिएगा क्या सही आंसर करते हैं, ठीक है ना? चलिए यहां पर देखिए आंसर आने भी शुरू हो गए। तो देखिए 35 वर्ष, यानी सबसे ज्यादा आयु
कि न्यूनतम अर्हता को आरोपित किया गया है भारत के राष्ट्रपति होने के लिए। तो भारत का राष्ट्रपति क्या 35 वर्ष, ठीक है ना। इसके बाद 21 वर्ष की आयु के लिए कौन पंचायत सदस्य है, ठीक है ना। यहीं पर हम देख सकते हैं 25 वर्ष की न्यूनतम आयु किसके लिए निर्धारित है, राज्य विधानसभा सदस्य के लिए। और यहीं पर 30 वर्ष की आयु किसके लिए निर्धारित है, राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए। तो इस लिहाज से हमारा सही विकल्प क्या हो जाता है, 2341। हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन आप लोगों ने आंसर भी कर रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर क्या आपको दिख जाएगा कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, यानी कहीं कहीं पॉलिटी से निकल करके अब हम लोग जागरूकी में आ गए हैं। तो प्लीज यहां पर आंसर करिएगा कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कुख्यात इसलिए है क्योंकि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक। अब अगर यह प्रश्न है बिहार का शोक, तो आपके मस्तिष्क में इसका उत्तर कौन गया होगा कि कौन सी नदी है, गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती, ऐसे भी बिहार के लोग इस नदी को कोसते ही रहते हैं, तो इसका क्या नाम होगा। और यहां पर 13 का बी, हाँ बिल्कुल सही कहा भैया, आंसर भी आ गए हैं, 13 का बी यानी कि कोसी नदी। ये बहुत ज्यादा मियांडरिंग करती है, अपने मार्ग में परिवर्तन करती रहती है, जिससे अगल बगल की बसी आबादी और कृषि हमेशा ही प्रभावित होती है बिहार राज्य में। तो यहां पर चलिए बहुत अच्छी बात है, कोसी लिख करके बताया। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14, लंबा चौड़ा है पर आपके परीक्षण के लिए ही आया हुआ है। तो क्या कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर क्या कहते हैं, चार कथन दिए गए हैं। पहला कथन है रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, एक बात। दूसरा है हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा है तुंग भद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और चौथा क्या कहता है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो भैया यहां पर क्या मानते हैं आप प्रश्न संख्या 14 के लिए। और यहां पर एक मतलब यहां पर देखिए कूट क्या दिए गए हैं, तो यहां पर आंसर भी आने शुरू हो गए हैं। अंशु कुमार ने कहा है 14वें का डी, विकास राय जी कहते हैं आल, तो आल है भैया बिल्कुल, यानी कि पढ़ी गई चीजें आपके मस्तिष्क में आ रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अब इस तथ्यों पर हम बहुत ज्यादा विश्लेषण क्या लेना, लेकिन जो कुछ पढ़ा गया आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए कक्षाएं चला जा रही है, आप मजबूत बने रहिएगा, कहीं से कमजोर मत महसूस करिएगा। बिल्कुल सही कहा भैया, इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं वे सभी सत्य हैं, हाँ या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल हमने पढ़ा है और हमने जो पढ़ा उसमें सारी चीजें सही लिखी गई थी, वो हमें याद आ गया, तो जो याद आ गया, स्मरण आ गया, यही सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना, इसी पर हम पूरा फोकस्ड हैं। अच्छा यहीं पर देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, मतलब सुना सुना सा लगे या फिर सुना सुना सा लगे, जो कुछ लगे आप आंसर करिएगा। 15 प्रश्न क्या कहता है कि नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। अब ये भी आप पढ़ ही चुके होंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, तो प्लीज भैया आंसर करिएगा, नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहां पर स्थित है, असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में, तो कहां पर स्थित है आंसर करते चलिएगा। अर्चना त्रिपाठी बिल्कुल स्वागत है बेटा आपका, आंसर करिएगा कान्हा की दीवानी कंचन, अच्छा इन्होंने भी आंसर किया बहुत अच्छी बात। अमृता द्विवेदी, प्रीति राजोरा जी बिल्कुल स्वागत है प्रीति जी आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, आंसर भी करिएगा। सीमा सिंह, हर्षिता उपाध्याय, विकास राय, रामपाल यादव, अमृता द्विवेदी, अपूर्वा, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर 15वें प्रश्न के लिए क्या सही है, ठीक है ना। चलिए यहां पर 15वें के लिए बी आंसर बिल्कुल सही कहा भैया, नवग्राम तेल क्षेत्र कहां पर है, गुजरात में स्थित है, और गुजरात के ही और भी कई अन्य तेल क्षेत्र हैं जैसे कि अंकलेश्वर, कल्लोल और बारकोल, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके यहां पर बी आंसर सही हो जाता है। अब इसी के आगे देखिएगा 16वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 16वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, सॉरी साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में अब आप देखिए देखे भी होंगे, आइसोबार, वायुदाब,
सुमेलित है या नहीं है, आइसो हाइट ऊंचाई से संबंध रखता है या नहीं, आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा से संबंध रखता है या नहीं, और आइसो बात गहराई से संबंध रखता है या नहीं रखता है, तो यहां पर कौन सुमेलित नहीं है आंसर करिएगा। प्रश्न संख्या 16 के लिए अमृता द्विवेदी, आशीष शुक्ला, अर्चना त्रिपाठी, यहां पर देखिए 16वें के लिए क्या भाई, हाँ बिल्कुल रवि रावत जी बिल्कुल स्वागत है आपका, जय हिंद, जुड़ने के लिए हमारे चैनल से आपका विशेष स्वागत है। लेट आए हैं लेकिन ठीक है, आए हैं तो बिल्कुल आपका हम हृदय से आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं। फिलहाल आंसर करिएगा क्या सही मानते हैं आप यहां पर, देखिए यहां पर डी डी को कहते हैं, नहीं डी तो नहीं है, डी तो एकदम सही है, ठीक है ना। देखिए आइसो बार वायु दाब से संबंध रखता है, यह बात सही है, आइसो हाइट ऊंचाई से संबंध रखता है, यह बात भी सही है, आइसो बात गहराई से संबंध रखता है, यह बात भी सही है। सही नहीं है तो कोई सही नहीं है, आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा से संबंध नहीं रखता है, आइसो हेलाइन समुद्र में लवणता एक लवणता के अनेक बिंदुओं को रेखांकित करने वाला एक मानक है, तो यहां पर आइसो हेलाइन समुद्र की लवणता बिंदुओं को मतलब एक लाइन में पिरोने वाला एक ऐसी रेखा है या उसको मापन करने वाला यंत्र है, तो कुल मिलाकर कि हमारा यह गलत है, यह बर्फ वर्षा से संबंध इसका नहीं है, समुद्र की लवणता बिंदुओं से इसका संबंध है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यह सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब यहीं पर देखिएगा अगला 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन एवं क्षैतिज तल यानी एजीमथ के कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, तो भैया कौन सा यंत्र है। देखिए लेटेस्ट में भी पूछा गया 2020 में पूछा गया 36वीं पीसीएस में, तो आंसर करिएगा कि ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला वह कौन सा यंत्र है, बेवल प्रोटेक्टर अल्टीमीटर सिंक्लाइन या थियोडोलाइट। तो प्लीज यहां पर फटाफट आंसर करते चलिएगा। राहुल कुमार और यहां पर आनंद मौर्य, जूली सिंह सिसोदिया, भैया सबके आंसर आ रहे हैं। विकास राय, रमेश सिंह जी कहते हैं डी, हाँ तो सही कहा बिल्कुल रमेश जी, थियोडोलाइट यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तल के कोणीय दूरी को मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, थियोडोलाइट यानी डी ऑप्शन सही है, बाकी के सही नहीं है इस प्रश्न के सापेक्ष। यहीं पर देखिएगा प्रश्न संख्या 18 क्या करा, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। अब देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, फोटोग्राफी ठीक है ना, तो फोटोग्राफी में वह कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट यानी उसके निगेटिव को संतुलित करने के लिए स्थिर करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट या फिर अमोनियम मॉलिब्डेट। तो यहां पर क्या सही मानते हैं, 17वें का ए आभा यादव ने कहा ठीक है, माही यादव, आशीष शुक्ला बोरेक्स लिख करके बताते हैं, विकास राय जी नहीं भैया विकास बोरेक्स तो नहीं है, ठीक है ना। और बताइए दीपचंद जी कहते हैं 18वें का सी सोडियम टेट्राथायोनेट भी नहीं है, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं ए, हाँ बिल्कुल अब सही आंसर आया है, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है ना, फोटोग्राफी में कौन सा प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट, साइंस का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न भी साइंस से ही जुड़ा हुआ है पर बायो साइंस से है, तो क्या कह रहे हैं कि आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपि से, मानव से, बंदर से या फिर चूहा से, तो प्लीज बताइएगा क्या सही आंसर होगा, यानी आरएच फैक्टर, ब्लड में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसमें एक आरएच फैक्टर भी काउंट होता है, बहुत रेयर इन रेयरेस्ट की कंडीशन में होता है लेकिन फिर भी काउंटेबल है, तो यहां पर क्वेश्चनेबल है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया गया है कि आरएच फैक्टर या आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है या किस एक जंतु में पाया जाता है, तो भैया फटाफट आंसर करिएगा यहां पर। और यहां पर देखिए विकास राज इस बार बिल्कुल सही हो गए हैं, पिछली चूक को इस बार उन्होंने सुधार लिया है, इन्होंने लिख करके भेजा है बंदर से, सही कहा है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, बंदर से है, बाकी सभी के भी आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 20 देख सकते हैं हम लोग कि काशी लालिमा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, ये एक फसल की प्रजाति है तो आप प्लीज बताइएगा, और पूछा गया प्रश्न है तो किसकी प्रजाति है, किस फसल की, गाजर की, भिंडी की, टमाटर की या फिर प्याज की, तो भैया फटाफट आंसर करिए। प्रश्न संख्या 20 को लेकर के दिव्यमणि त्रिपाठी, सीमा सिंह,
विकास राय, श्वेता विश्वकर्मा, मनोज कुमार, अर्चना मिश्रा, सभी के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। आलोक वर्मा, आभा यादव, दिव्यमणि त्रिपाठी, पवन राय जी, दिलीप शुक्ला, सभी के आंसर आ रहे हैं भैया। 20 का बी बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर काशी लालिमा किसकी किस फसल की प्रजाति है, भिंडी की प्रजाति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह आपका हो गया। चलिए अब देखिए इसी के आगे हम लोगों ने चूंकि जीएस के 140 क्वेश्चन का एक छद्म रूप हम लोगों ने देखा, कमोबेश कुछ ऐसे ही प्रश्न आने वाले होंगे। फिलहाल यहां पर अब हम आ जाते हैं सामान्य हिंदी के रैपिड फायर सेशन में, देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आज आपको चुनौती दे रहे हैं। तो ये तो बहुत सहज हो चुका होगा, पहला सेक्शन आपका तद्भव प्रथम से है, तो आइए देखिए इसमें क्या प्रश्न है और क्या आप उत्तर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको सामान्य हिंदी से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भभूत का तत्सम शब्द है। अब 60 नंबर की हिंदी इसी से संबंध रखती है, तो भैया आंसर करिएगा शब्द क्या दे दिया गया है, भभूत, और पूछ रहे हैं इसका तत्सम शब्द क्या है। तो जाहिर सी बात है कि भभूत फिर क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। तो अब बताइएगा विभूति, भभूति, भवभूति, बभूति, ठीक है ना। तो बताइएगा यहां पर क्या सही मानते हैं आप यहां पर। बिल्कुल पहले का देखिए साधना शुक्ला ने कहा भाई ए आंसर सही है। अच्छा अलका श्रीवास्तव जी लालिमा कहां होती है, होती है कि नहीं होती है, अभी रिसर्च नहीं करेंगे बेटा, अभी तो सिर्फ यह है कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, फिलहाल उस पर ध्यान देते हैं। तो यहां पर देखिए भभूत का सही तत्सम रूप क्या हो जाता है, विभूति, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, बाकी के ऑप्शन सही नहीं है। वैसे भवभूति क्या थे, संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उन सबकी व्याख्या हम लोग कभी और देख चुके हैं। अब यहीं पर देखिएगा प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो क्या कहता है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो प्लीज बताइएगा कि तद्भव शब्द है। अब कौन सा तद्भव शब्द है, परीक्षा में पूछेगा ही ना। तद्भव का मतलब कि जो हम लोकाचार की भाषा में प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जो संस्कृत निष्ठ होते हैं या संस्कृत तुल्य होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो प्लीज यहां पर आंसर करिएगा तद्भव शब्द कौन सा है, प्रत्यभिज्ञान, पिटक, परिधान, पिटारा, तो भैया क्या यहां पर सही करते हैं। और दूसरे का डी देखिए साधना शुक्ला, अपूर्वा द्विवेदी, आभा यादव, सभी लोग आंसर करें, एके भाई ने भी आंसर किया है, ठीक है डी को लेकर के बिल्कुल सही कहा है। पिटारा, पिटारा एक तद्भव शब्द है, यह तद्भव शब्द है लेकिन इसका तत्सम होता है पिटक। ध्यान दीजिएगा पिटक क्या है, स्वरूप से पिटक क्या है, पिटक है तत्सम, पिटक तत्सम है और पिटारा क्या है, तद्भव है, ठीक है ना, तद्भव है। यहीं पर हम और भी देख सकते हैं प्रत्यभिज्ञान और परिधान, यहां पर दो शब्द आपको और देखने को मिल गए होंगे, तो प्लीज बताइएगा कि प्रत्यभिज्ञान एक तत्सम शब्द है लेकिन इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है पहचान, प्रत्यभिज्ञान का तद्भव क्या होता है, पहचान होता है। यहीं पर परिधान, परिधान का परिधान तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, पहनावा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम लोग देख भी चुके हैं, फिलहाल हमारा यहां पर डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न संख्या तीन, तीन क्या कह रहा है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से तत्सम, अब फिर से आपसे पूछ रहा है क्या कि तत्सम शब्द है तो कौन सा है, दही, जीर्ण, गयंद, गाहक, तो बताइएगा कि तत्सम का मतलब जो संस्कृत तुल्यता को स्थापित करेगा वही शब्द तत्सम कहलाएगा, तो कौन सा हो जाएगा तत्सम, ठीक है ना। प्रश्न संख्या तीन का बी देखिए आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं, अच्छी बात है। तो यहां पर देखिए जीर्ण, ठीक है ना, जीर्ण शब्द क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होता है क्या, झीना, ठीक है ना, झीना, झीना का मतलब कि जैसे कोई भी चद्दर हो इतना हल्का हो चुका हो उसके सूत कि आर पार चीजें दिख रही हो, झीनी झीनी बीनी बदरिया, सॉरी झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये भी हम लोग जीएस वाले उसमें पढ़ चुके थे किसकी रचना है, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल यहां पर गाहक क्या है, ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम क्या होता है, ग्राहक, इसका तत्सम क्या होगा, ग्राहक होगा। गयंद क्या है, हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है ना, अभी तद्भव तत्सम तत्सम स्वरूप है लेकिन यहां पर क्या है, हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है ना, तद्भव है पर यहां पर क्या है, हाथी के पर्याय के रूप में देखते हैं। यहीं पर दही का तत्सम क्या हो जाता है, दधि, दधि हो जाता है, ठीक। तो कुल मिला जाके यहां पर हमारा क्या हो गया, बी आंसर सही हो गया, आपने आंसर भी किया है।
यहीं पर देखिएगा चौथा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है भैया, चौथा प्रश्न है कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। तो प्लीज यहां पर बताइएगा अगहन, अगहन का तत्सम रूप, आप देखिए तत्सम रूप कौन सा है, अग्रहायण, अगहन, अग्रहण, अग्रासन। अब देख चुके हैं तो फटाफट आंसर कर दीजिए क्या सही मानते हैं आप यहां पर। और यहां पर माही यादव, अर्चना त्रिपाठी, राजू वरुण, दिलीप शुक्ला, अच्छा ठीक है भैया, हाँ इंजीनियर आलोक विश्वकर्मा लिख के बताते हैं दही का दही होगा, अच्छी बात है भैया। तो यहां पर देखिए अगहन, अब अगहन, अगहन बहुत कॉमन सा है, माताएं अक्सर प्रयोग करती हैं हम लोगों के घरों में। तो यहां पर देखिए अगहन का सही तत्सम रूप क्या होता है, ए ऑप्शन आपने लिख करके भी भेजा हुआ है, आभा यादव वगैरह सभी ने, चौथे का है अग्रहायण, अगहन का तत्सम रूप क्या होता है, अग्रहायण। यहीं पर देखिएगा, हाँ अब देखिए पैटर्न फिर चेंज हुआ, क्या कह रहे हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो प्लीज आइएगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि छह प्रकार पे आपको वहां पे टर्म देखने को मिलेंगे, छह ही टॉपिक हैं तो छह अलग अलग, और हर एक टॉपिक से दस दस क्वेश्चन, तो आप सोचिए ना। तो प्लीज यहां पर भी आंसर करिएगा पांचवा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे भैया, अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमाणिक, अप्रमेय, यहां कंफ्यूजन होना स्वाभाविक बात है, पर सही आंसर निकाल के ले आने वाले भाई बहादुर हैं, तो बहादुर आंसर करें। और यहां पर राहुल कुमार जी ने कहा सी, भाई बहादुर तो है सभी लग रहा है, अप्रमेय लिख करके भी बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रमेय ही होगा, कह रहे हैं जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे अप्रमाणित, अप्रमाणित का मतलब होता है कि इसे प्रमाणित तो किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया, चाहे किसी भूल वश, चाहे छूट गया, साहब हम पांच मार्कशीट लेकर के आए आपके पास प्रमाणित होने, प्रमाणित करा के एक छूट गई, तो प्रमाणित हो सकता था पर छूट गई। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ही ना किया जा सके, मतलब कोई प्रमाण दिया ही ना जा सके, तो वहां पर हमारा क्या सही आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए भैया थोड़ा तेज चलिएगा चूंकि अब अगली कक्षाएं आपकी चलने वाली हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। तो फटाफट आंसर करिएगा क्या सही आंसर करते हैं, अंकित गौतम, उदय तिवारी, पूजा नौटियाल, ठीक है भैया स्वागत है आपका, अलका श्रीवास्तव। और यहां पर क्या कहेंगे, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, हम लोगों ने देखा भी है औपनिवेशिक व्यवस्था को, तो क्या सही हो जाएगा, उपनिवेशिक या औपनिवेशिक। तो यहां पर देखिए बी, हां बिल्कुल देखिए आंसर लिख के आ रहा है, ठीक है ना, औपनिवेशिक, यानी औपनिवेशिक काल को हम लोग देख करके आए हैं, गुलामी के पीरियड को। औपन्यासिक का मतलब होता है उपन्यास से संबंधित, ठीक है ना। चलिए अगला, अगला आगे हम लोग प्रश्न संख्या सात, सात क्या कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, असूर्य दर्शना, असूर्य, असूर्य स्पर्शा, असूर्य दृष्टा, असूर्य पश्या। तो भैया यहां पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्या सही मानते हैं आप यहां पर सातवें के लिए। और जितेंद्र कुमार यादव जी लिख करके बताते हैं, अच्छी बात है, सुनीता गौतम, विकास राय, बेबी अंजुम, स्वागत दुबे, विकास राय, अंकित गौतम, दीपचंद, आभा यादव, एके भाई, क्या कहते हैं भाई, हाँ डी आंसर के लिए बिल्कुल सही कहा है, असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या, ठीक है, संस्कृत में जब लिखते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या, ये संस्कृत में अगर लिखेंगे तो असूर्यम पश्या लिखेंगे, हिंदी में लिखते हैं तो असूर्य पश्या भी लिख लेते हैं, तो कुल मिलाकर हमारा यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला आठवें नंबर का प्रश्न है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अब किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहेंगे, वसीयत कहें, धरोहर कहें, रिक्त कहें, संरक्षण कहें, ये आपको चुनौती देने वाले प्रश्न है, सही आंसर करिएगा क्या सही हो सकता है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम क्या कहेंगे, तो भैया क्या कहेंगे यहां पर बताइएगा। और यहां पर अर्चना त्रिपाठी, ठीक है ना, जितेंद्र कुमार यादव, ऐश्वर्या मंगलम जी ने भी कहा, बिल्कुल इनका भी स्वागत है, संध्या सिंह, राजन कुमार, बेबी अंजुम, लेट्स लर्न, पवन राय जी, बिल्कुल सभी का स्वागत करते हैं भैया,
फातिमा अंजुम ने कहा भी, चलिए फातिमा जी आपका स्वागत है, विकास राय, रीति राय, सभी को बिल्कुल यहां पर, तो ठीक यहां पर क्या हो जाएगा, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अब दूसरे की वस्तु है तो उसे क्या कहेंगे, धरोहर कहते हैं, ठीक है ना। यहीं पर देखिए रिक्त क्या होता है, उत्तराधिकार में मिली हुई वस्तु, रिक्त क्या है, उत्तराधिकार में, यानी हमारे पिता के द्वारा हमको जो संपत्ति हस्तांतरित होगी उसे कहा जाएगा रिक्त, रिक्त कहा जाएगा, यह उत्तराधिकार में मिलता है। पर धरोहर का मतलब हो सकता है कोई हमारा मित्र ही हमारे पास कोई चीज रख के जाए तो उसे हम कहते हैं धरोहर। वसीयत क्या होता है, यह रिक्त का ही पर्यायित रूप है, पर वसीयत उर्दू का शब्द हो जाता है, पर यह रिक्त क्या है, हिंदी का शब्द है, ठीक है ना। और संरक्षण का तो अलग ही भाव है। चलिए यहां पर देखिए अगला, अगला आप देख सकते हैं विलोम शब्दों से जुड़े भी कुछ प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तरायण, उत्तरायण का विलोम क्या होगा, पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन, तो क्या सही आंसर करना चाहेंगे भैया यहां पर, बिल्कुल आंसर करते चलिएगा। अंकित गौतम, मनोज कुमार, आनंद मौर्य, श्वेता विश्वकर्ण, देखिए यहां पर उत्तरायण का ईशान तो नहीं होगा, ठीक है ना, और विलोम पूछा गया है, पलायन भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, तो सही क्या हो जाएगा, दक्षिणायन, ठीक है ना, यानी डी आंसर, बिल्कुल आपके आंसर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए रिजु, अगला प्रश्न क्या कहता है कि रिजु का विलोम है, तो क्या विलोम है, साधारण, समान, वक्र, विकृति, तो क्या कहेंगे, देखिए साधारण का असाधारण होता है तो ये तो गलत हो गया, समान का असमान होता है ये भी सही नहीं होगा, विकृति का भी नहीं होगा, ठीक है ना। और यहीं पर हम देख सकते हैं रिजु का सही विलोम हमें चुनना होगा तो क्या हो जाएगा, वक्र, ठीक है ना, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहीं पर अगला प्रश्न देख सकते हैं अनुरूप, अनुरूप का विलोम बताइए तो क्या हो जाएगा, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यतिरूप, तो क्या सही होगा, अनुरूप। और अगर अनुरूप नहीं होगा, जैसे कहते हैं अनु, अनु उपसर्ग लगा करके हम बनाते हैं अनुकूल, ये व्यवस्था हमारे अनुकूल है, ये परीक्षा हमारे अनुकूल है, फिर अगर हम ये कहें कि हमारे अनुकूल नहीं है तो क्या कहेंगे, उसके लिए कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, प्रति उपसर्ग, तो ये परीक्षा हमारे प्रतिकूल है यानी विपरीत है, तो सही क्या हो जाएगा, अनुरूप का सही विलोम शब्द क्या हो जाता है, प्रतिरूप, अनु के विलोमार्थी उपसर्ग कौन से हैं, प्रति हैं, ठीक है ना, तो अनुरूप का विलोम क्या हो गया, प्रतिरूप। यहीं पर तृष्णा, तृष्णा शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है क्या होगा, ओके सर, तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाता है भाई, वितृष्णा, निष्प्रिय, वितृप्त, संतुष्टि, देखिए संतुष्टि वितृप्त और निष्प्रिय तो नहीं होता है, बस देखने के स्तर पर आप देखते चलिएगा, बारहवें का क्या होता है, तृष्णा का वितृष्णा, ठीक है ना, ए ऑप्शन। यहीं पर अगला पर्यायवाची से भी रिलेटेड है शब्द, क्या कहते हैं कि विष्णु का, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो बताइएगा, कमलेश, कमलाकांत, कमलासन या कमलापति, तो आपको ध्यान में चीजें आ रही होंगी, आंसर आप बराबर करते चलिएगा, कमलेश तो है, कमलापति भी है, कमलाकांत भी है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है, कमलासन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कमलासन किसके पर्याय में आता है, ब्रह्मा के पर्याय में आता है, तो कमलासन ब्रह्मा का पर्याय है, विष्णु का पर्याय नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, डी आंसर सही हो गया। यही पर देखिएगा 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो कौन सा भैया सही नहीं है, पुरंदर, अमरपति। अब ये कह रहे हैं कि सही है, यानी कि दोनों ही चीजें एक ही व्यक्तित्व को दर्शा रही हो, तो पुरंदर, अमरपति, इंद्र का पर्याय है, ये तो सही है, ठीक है ना। सरोवर, पुष्कर, सरोवर और पुष्कर भी क्या है, एक ही पर्याय को दर्शा रहे हैं, तालाब को, तो ये भी सही हो गए। यही पर हम देख सकते हैं फणी और उड़ग, यानी कि ये दोनों ही सर्प के पर्याय को दर्शा रहे हैं, तो दोनों ही सही हैं। यहां पर देख सकते हैं जलधि और अम्बुद, अब ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि जलधि जो है वो समुद्र का पर्याय है और अम्बुद जो है वो बादल का पर्याय है, तो भैया समुद्र और बादल में अंतर होता है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, सी आंसर सही हो जाता है, ठीक है ना, ये सही नहीं है। अगला आप अंतिम प्रश्न देख सकते हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है बादल का पर्यायवाची शब्द, तोयद, पयोधर, नीरद, तोयधि। एक बार हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि जिन जिन शब्दों के अंत में धी 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 ऐसे आते हैं वे सब के सब क्या है, समुद्र के पर्याय हैं, और जिन शब्दों के पानी के पर्याय में अंत में दा दा दा, तो जितने दादा हैं वे क्या है, बादल हैं।
तो भैया यहां पर देखिए नीरद तोयद अपयोधर ये सब तो क्या हो गए, बादल के पर्यायवाची हो गए, लेकिन नहीं हो गया तो कौन नहीं हो गया, क्योंकि इसमें धी आ गया है, तो ये धी तोयद किसका पर्याय हो गया, ये समुद्र का पर्यायवाची हो गया, तो इस लिहाज से हमारा क्या हो गया, डी आंसर सही हो गया, ठीक है ना। चलिए यहीं तक अब हम लोग प्रश्नों को रोकते हैं, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चलने वाली हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और अंतिम कड़ियों को समेटने की इस व्यवस्था में आप जो करके बिल्कुल आनंद भी लीजिए, अपने कॉन्फिडेंस का बूस्टअप करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं शशधर दुबे अब आपसे विदा लूंगा, पर इस अपेक्षा के साथ कि आप लिख करके हमें यह बताएंगे कि यह सेशन आपको कैसा लगा, क्या सुधार संशोधन चाहते हैं, हम उसके लिए तत्पर और तैयार हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं शशधर दुबे आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, और करंट अफेयर्स की कक्षाओं को बिल्कुल इंजॉय भी कीजिए, सराह चुके हैं, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आपका स्वागत करता हूं। समीक्षा बैच आरओआरओ की जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए समीक्षा बैच चल रहा है, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग करंट अफेयर का डिस्कशन कर रहे थे, आज मैं फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विकास पाल, संध्या, रीति, राजन, स्वागत, अभय, सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। यहाँ पे देखते हैं आज हम लोग फिर से करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप हमारी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आरओ लिख के मैसेज कर दीजिए, आपको कम्युनिटी से जोड़ दिया जाएगा। करंट क्विज स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ठीक, जितनी भी क्लासेस हुई। एक सेकेंड, देखते हैं हमारा पहला क्लास क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि 9 नवंबर 2023 को किसने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। पहला ऑप्शन देखिए, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति संदीप मेहता या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर बताइए क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब दृष्टि मैगजीन आप लोगों ने रिवाइज की होगी तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। नियुक्तियों में सबसे पहला टॉपिक यही था। श्वेता विश्वकर्मा जी, गुड आफ्टरनून। विकास राय, रीति, संक्षिप्त सार संक्षिप्त करवा दीजिए, ठीक है, खेल वाला सेशन भी करवा दीजिए। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि संक्षिप्तिया और खेल दृष्टि वाली मैगजीन को हमारे सभी टीचरों ने मिलकर बहुत अच्छे से कवर किया है, उसको आप लोग एक बार एग्जाम टाइम में देख के जाइएगा, ठीक है। आरती बिंद, रीति राय, राहुल, श्वेता, उदय, राजन, आयुषी वर्मा, सभी का आंसर आ गया डी। तो इसका क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जो सतीश जी है ये दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। ये दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगस्टन जॉर्ज मसीह है ये राजस्थान हाई कोर्ट के, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, और संदीप मेहता जो थे ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के, एचसी जो लिखा हुआ है ना, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इनको क्या किया गया है कि इनको नियुक्त कर दिया गया है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश हो गए हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ हमारे मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने ही इनको शपथ दिलाई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी सभी का सही आ रहा है, सही आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। 7 नवंबर 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दे दिया। महत्वपूर्ण हो जाता है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आंसर बताइए इसका, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा है चेक गणराज्य, तीसरा है पुर्तगाल और चौथा है क्रोएशिया। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका सही आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, और जल्दी जल्दी आंसर करिए तो मैं क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ाऊंगा, आप लोग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बताइए, चेक गणराज्य बी सी। सुनीता गौतम जी का आंसर सही आ रहा है, रमेश सिंह, अर्चना मिश्रा का बी, लाइफ रॉक का डी, श्वेता विश्वकर्मा, कमल किशोर सी। जी बिल्कुल, ये पुर्तगाल के, ठीक है, प्रधानमंत्री थे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम क्या था, एंटोनियो कोस्टा इनका नाम था, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा में आपसे इस्तीफे से सवाल पूछे जा सकते हैं। 2022 के पीसीएस परीक्षा में इस्तीफे से सवाल पूछा गया था, इस वजह से देख लीजिए कहां के प्रधानमंत्री थे, तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। दिसंबर 2023 में छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, राणा दास गुप्ता, राजीव सरण, सुकृता या दीपा मेहता, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 2023 में छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, महत्वपूर्ण हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, राणा दास गुप्ता, राजीव सरण, सुकृता या दीपा मेहता। ठीक है, मही यादव, बेबी अंजुम, अलका श्रीवास्तव, सभी का स्वागत है, मैं एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं। भारती शर्मा, राहुल कुमार, सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया, सी। सुनीता गौतम, श्वेता विश्वकर्मा, सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया, सुकृता। ठीक है, सुकृता पाल, ठीक, सुकृता पाल को प्रदान किया गया है छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, सुकृता होगा। ठीक है, सुकृता पाल, इनको प्रदान किया गया छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। जितने भी लोग डी या ए आंसर दे रहे हैं वो लोग एक बार करेक्ट करिएगा। ठीक है, सुकृता पाल इनका नाम है। इनकी कृति क्या है, तो सॉल्ट एंड पेपर्स। सॉल्ट एंड पेपर्स के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किताब का नाम भी याद रखिएगा, किस कृति के लिए दिया गया है, तो सॉल्ट एंड पेपर्स कृति के लिए सुकृता पाल को छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर। जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, तो YouTube पे UPI सेफ्टी का एक ऐड आता है, UPI सेफ्टी ऐड जो आता है ना, तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर UPI सेफ्टी के लिए किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बताइए 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी है राजकुमार राव, ऑप्शन सी है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी है मनोज वाजपेयी। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, 4 का ए, 4 का सी, सी। रमेश सिंह, अर्चना मिश्रा, मनोज कुमार, योगेंद्र पांडे, पूर्णिमा देवी, दीप चंद, सोनू सरोज, योगेश मानवी, श्वेता, ऐश्वर्या, राहुल कुमार, रीति राय, ठीक है, अरुण चाली सिंह और सबके शिवानी प्रजापति, आयुष्मान खुराना को नहीं, आयुष्मान खुराना नहीं है, पंकज त्रिपाठी को NPCI द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जब भी आप एड देखते हैं ना UPI सेफ्टी का, UPI सेफ्टी का YouTube पे एड देखते होंगे, तो पंकज त्रिपाठी वो एड करते हैं। देख लीजिए, आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तब भी आप गलत कर रहे थे, गलत मत करिए, देखिएगा, पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। UPPCS 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हिमा दास को उस टाइम पे BSNL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था।
तो बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर पूछा था कि हाल ही में बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो उस टाइम पे हिमा दास को नियुक्त किया गया था। यहां पे देख लीजिए यूपीआई सेफ्टी का ब्रांड एम्बेसडर किसे, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर 2023 में किसे WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया है WHO के द्वारा। नाम देखिए, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर साइमा वाजेद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। अर्चना त्रिपाठी, संज्ञा, रीति राय, संध्या, अभय, बीबी अंजुम, अंकित गौतम, रमेश सिंह, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया, साइमा वाजेद। ठीक है, साइमा वाजेद जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है ये उनकी बेटी है और ये मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, विशेषज्ञ है, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, डॉक्टर है, डॉक्टर साइमा वाजेद किसकी बेटी है, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, पूर्णिमा, राहुल, गीतिका, संध्या, आयुषी वर्मा, मानवी, योगेश, शिवानी, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, आप लोग भावी समीक्षा अधिकारी हैं, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 31 अक्टूबर 2023 को किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया या शपथ ग्रहण किया, तो आपको बताना है कि उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, रघुवर दास, लक्ष्मी आचार्य मलिक, बीरेंद्र सिंह या प्रोफेसर गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए जल्दी से, सबके आंसर भी आने स्टार्ट हो गए हैं। ए, अर्चना त्रिपाठी, रमेश सिंह, अभय, आशीष, सुनीता, अंकिता। ठीक है, रघुवर दास जो है, रघुवर दास को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रघुवर दास, रघुवर दास कहां से, किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है, झारखंड के ये पूर्व सीएम रह चुके हैं। ठीक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनको उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, रघुवर दास को, भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ नेता है। ठीक है, प्रीति तिवारी, राहुल कुमार, अंकित, आरती, रामानंद सागर, सबका आंसर आ गया है ऑप्शन ए, रघुवर दास। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 16 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे जनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत के द्वारा जनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे, रमेश चंद्र वर्मा होंगे या अरिंदम बगाची होंगे या राजीव कुमार होंगे या के नंदनी सिंगला होंगी, बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आशीष शुक्ला, अभय यादव, दीपचंद, 7 का सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी, 7 का बी आना स्टार्ट हुआ, श्वेता विश्वकर्मा, 7 का बी, रीति राय का आंसर बिल्कुल सही है, अरिंदम बागची जो है इनको जनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है, सबका आंसर बिल्कुल सही है, आयुषी वर्मा, रंजन कुमार, शिवानी, रीति राय, रमेश सिंह, पवन कुमार, ठीक है, क्या आपने डिलीट कर दिया कोई मैसेज, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, अरिंदम बागची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, फिनलैंड के, आयरलैंड के, न्यूजीलैंड के या क्रोएशिया के, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, मही यादव, बेबी अंजुम, शर्मा भारती, बताइए इसका आंसर दीजिए, फिनलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या क्रोएशिया, किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बताइए इसका आंसर, पवन राय, बागची टाइप हो गया था सर, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए इसका आंसर, बताइए
सी, इसका सही आंसर आना स्टार्ट हो गया, न्यूजीलैंड। तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां जो होती हैं आपके परीक्षा में पूछी जाती है, इस वजह से ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, तो वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं लगभग 40 क्वेश्चन है, उन 40 क्वेश्चनों को एक पेपर लेकर बैठिएगा, देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और वीडियो समाप्त जब होता है तो उसके बाद कमेंट करके आप लिखा करिए कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस दिशा में है और क्या मैं सही दिशा में आपकी तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, तो इस वजह से अनिवार्य है कि आप एक पेपर लेकर बैठे और खुद का मूल्यांकन करते रहे कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और किस तरह आपने अपनी किताब दृष्टि मैगजीन को रिवाइज किया है या किसी भी पत्रिका को रिवाइज किया, क्योंकि करंट के जो इवेंट होते हैं वो सब जगह सेम ही होते हैं। ठीक है, लोगों का लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलते हैं। ठीक, आपको हमेशा अपडेट रहना है। तो याद रखिए क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इन्होंने क्रिस हॉपकिंस का स्थान लिया, किसका, क्रिस हॉपकिंस का स्थान लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोहम्मद मुइजू, ठीक, मोहम्मद मुइजू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बहुत चर्चा में रहा है पिछले एक दो महीनों में, बहुत चर्चा में रहा मोहम्मद मुइजू का नाम, तो ये किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, मालदीव, इंडोनेशिया, मॉरिशस या थाईलैंड। रीति राय जी प्रैक्टिस करेंगी तो याद हो जाएगा, एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, मालदीव जी। बिल्कुल, मोहम्मद मुइजू जो है ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं, किसका स्थान लिया, तो इन्होंने इब्राहिम सोलिह का स्थान लिया। किसका स्थान, इब्राहिम सोलिह का इन्होंने स्थान लिया है, मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 30 सितंबर 2023 को किसने सीमा सड़क संगठन, ठीक है, बीआरओ का 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, बीआरओ, ठीक है, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, जनरल रघुवीर पाल सिंह, जनरल राकेश कुमार सिंह, जनरल रघु श्रीनिवास, जनरल राजीव चौधरी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, मालदीव, मालदीव से। पूर्णिमा जी अभी मैं देख लूंगा, उसका पीडीएफ अपडेट कर दी गई है, आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा बाद में, क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, 10 का सी, जनरल लेफ्टिनेंट राजीव रघु श्रीनिवास, जनरल लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास जो है ये बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सीआईएसएफ की महानिदेशक, सीआरपीएफ की महानिदेशक कौन बने हैं, और इन तीनों के महानिदेशक के बारे में मैंने कल बताया था, ये तीनों महानिदेशक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा वीडियो समाप्त होने के बाद। अभी हम लोग आगे चलते हैं, यहां पर मैंने सीआईएसएफ के महानिदेशक, सीआरपीएफ के महानिदेशक और आईटीबीपी के नए महानिदेशक के बारे में पूछा है। ठीक है, सभी लोगों का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, नीना सिंह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको तीनों के जो मैंने पूछा ना, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, इनके नाम आप कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने के बाद देके तब जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 19 सितंबर 2023 को कौन देश के प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, ठीक है, यहां पे ये पीटीआई लिखा हुआ है, इसको आप पीटीआई समझिएगा, पीटीआई, ठीक है, पीटीआई के नए अध्यक्ष चुने गए, पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, अविक सरकार, एन रवि, महेंद्र मोहन गुप्ता या के एन शांता कुमार, बताइए। अच्छा, पीडीएफ में टिक नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं टिक करवा दूंगा, अपडेट करवा देंगे उसको। आयुषी वर्मा का आंसर आना स्टार्ट हो गया, नीना सिंह जी, बिल्कुल, चलिए कम से कम ये संतुष्टि मुझे रहती कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन डी सही होगा, के एन शांत कुमार, इनको पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया, पीटीआई का अध्यक्ष कौन बने हैं, के शांता कुमार, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विचार करना है इस पे आपको,
देखिए 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। ठीक है, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, इनका निधन हो गया कब, 28 सितंबर 2023 को। ठीक, उन्होंने उन्हें वर्ष 2008 में, ठीक है, वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है या केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है, बताइए। यहां पे एम एस स्वामीनाथन के बारे में बताया गया है कि उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उनका निधन हो गया। ठीक है, वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, 12वें का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग कमेंट करिए। सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया, ए अंकित गौतम का आंसर सही है, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। इनको वर्ष 2018 में नहीं, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस वजह से दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी, उसके निदेशक भी रह चुके थे, कौन, एम एस स्वामीनाथन। कथन कारण यदि आपसे पूछ ले ऐसा, तो एम एस स्वामीनाथन जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके निदेशक भी रह चुके हैं, साथ साथ में जो फिलीपींस में अवस्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद है उसके भी निदेशक रह चुके हैं एम एस स्वामीनाथन। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है, पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, साथ साथ में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये हरित क्रांति के जनक है, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। निधन में दो निधन महत्वपूर्ण है, कौन कौन से, एक तो इनका निधन महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इनका निधन हुआ तो कौन कौन से अवार्ड इनको दिए गए ये आप देख लीजिएगा। साथ साथ में जो कल मैंने बताया था कि फातिमा बीबी जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उनका निधन हुआ था, उस पर भी प्रश्न बनने की संभावना है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। वो तमिलनाडु की राज्यपाल रह चुकी थी, साथ साथ में वो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, शिवानी प्रजापति जी, वीडियो स्टार्ट हुआ था उसके पहले कम्युनिटी के बारे में मैंने बताया था, एक नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज करिएगा, आरओ लिखकर आपको कम्युनिटी से जोड़ दिया जाएगा, आपको सारी पीडीएफ वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में पदभार इन्होंने अपना संभाला है। ठीक है, जो जया वर्मा सिन्हा है इनको सीईओ के रूप में पदभार संभाला है, वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है, बताइए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए कि जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का सीईओ या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इन्होंने अपना पदभार संभाला है, इस पद पर पहुंचने वाली वो दूसरी महिला है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तनु, अर्चना, दीप, राहुल, पूर्णिमा, मनोज, आयुषी, केशव, सबका आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही, आप लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, केवल एक, इसका केवल एक सही होगा, दूसरा कथन गलत होगा, पहला केवल सही होगा। क्यों, क्योंकि इस पद पर पहुंचने वाली ये दूसरी महिला नहीं है, पहली महिला है। ठीक है, इस पद पे पहुंचने वाली पहली महिला है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा इनका नाम है, राष्ट्रीय नियुक्तियों के लिए यह नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, देख लीजिएगा। सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है, सुनीता, गीतिका, राजकुमार, दिव्यमणि त्रिपाठी, अर्चना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, मतलब भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, क्वेश्चन का मतलब यह है, बताइए। आर माधवन, प्रसून जोशी, अपूर्व चंदर या बीरेंद्र पाल सिंह, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आर माधवन, प्रसून जोशी, अपूर्व चंदर या बीरेंद्र पाल सिंह, किसको
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन ए आर माधवन, ठीक है, आर माधवन बिल्कुल सही है सबका आंसर। किट्टी, रमेश, श्वेता, संध्या, राहुल, योगेश, सबका आंसर बिल्कुल सही है। गीतिका, ठीक, सबका आंसर सही है। आर माधवन जो है इनको नियुक्त किया गया है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष। ये वही आर माधवन है जिन्होंने थ्री इडियट फिल्म में, जो थ्री इडियट फिल्म में इन्होंने काम किया था, साथ साथ में अभी जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, राष्ट्र 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड था ना, वो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया था। उस फिल्म के डायरेक्टर भी आर माधवन ही थे। आर माधवन अभिनेता के साथ साथ में फिल्म डायरेक्टर भी है, ठीक है, समझ गए, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सितंबर 2023 में कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसके पहले जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताया था, ठीक, वो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इस वजह से यहां बताइए कि सितंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री अब कौन बन गए हैं? फ्रैंक रूबियो, मार्क वंदेही, सुनीता विलियम्स या जेम्स वॉटसन, बताइए। गरिमा, विकास, राजेंद्र, राहुल, अंकित, दीप, बताइए। दीपचंद का आंसर भी आ गया। आप लोग बहुत फास्ट हैं। रूबियो बिल्कुल, ठीक है। श्वेता, अनूप, केशव, लेट्स लर्न, योगेश, आंसर देख के मजा आ जाता है आप लोगों के। फ्रैंक रूबियो, ठीक है, फ्रैंक रूबियो बने हैं अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले व्यक्ति बन गए फ्रैंक रूबियो। कितना समय इन्होंने बिताया? तो इन्होंने 371 दिन बिताए हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उस पे 371 दिन बिताए हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। कहां के हैं ये? नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, अमेरिकी नागरिक है। इनसे पहले किसका रिकॉर्ड था? तो इनसे पहले रिकॉर्ड था मार्क वंदेही का। इन्होंने कितने दिन बिताए थे? इन्होंने 355 दिन बिताए थे, ठीक है, कितने दिन? 355 दिन बिताए थे। ये भी नासा के ही अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक, तो महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पे सबसे ज्यादा समय किसने बिताया, तो फ्रैंक रूबियो ने सबसे ज्यादा समय बिताया 371 दिन, ठीक है। गरिमा, तनु, सबका आंसर आ रहा है 371 दिन, याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे दिन भी पूछ सकता है कितने दिन बिताया, ठीक है, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है 371 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अगस्त 2023 में हुन मानेट, नाम देखिए हुन मैनेट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कंबोडिया, थाईलैंड, हांगकांग, लाओस, ये उसी देश के प्रधानमंत्री है जहां पे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अवस्थित है, ठीक है, अंकोर वाट के नाम से जिसको जानते हैं। अंकोर वाट को 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अंकोर वाट मंदिर जो है उसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो खेमर वंश से संबंधित था। खेमर वंश का राजा था सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है, उसने अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था। अंकोर वाट को 8वां अजूबा घोषित किया गया है, उसी देश की बात हो रही है, उसी देश के प्रधानमंत्री बने, बताइए कौन सा देश है? सबका आंसर आ गया कंबोडिया, ठीक है, तो ये कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बिल्कुल सही। सब लोग के मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, इतनी तेजी से नाम आप लोग के चल रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीति राय, सृष्टि यादव, सना पांडे, गरिमा, अभय, मनोज सिंह, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 5 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार भटनागर, विवेक जौहरी, सुरजीत भुजबल या संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बताइए, यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए आप लोग।
ये आ सकता है जी बिल्कुल। यहां जितने भी क्वेश्चन लगे हुए हैं ना सब परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, सारे क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से कुछ भी पूछा जा सकता है। यहां जितने भी क्वेश्चन लगाए गए हैं ना मैंने पर्सनली बैठ के सारे क्वेश्चन तैयार करवा के यहां लगवाए हैं, सब कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है। मैं ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, आप कॉन्फिडेंस में ज्यादा रहेंगे, ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन सही होंगे तो आप बताएंगे कि हाँ इतने क्वेश्चन आए थे, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, संजय कुमार अग्रवाल, आशीष शुक्ला का आंसर आ गया, तो संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक, इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी सबके आंसर आ रहे हैं, गरिमा योगेश राहुल संध्या। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है, दिसंबर 2023 में मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल, मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता, बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। रीमा अग्रवाल, आस्था रावल, दीपा कुमारी या माही अग्रवाल, बताइए किसने जीता। अच्छा क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी, रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करेंगे तो फायदे में रहेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लगे हुए ना सब बहुत महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे, आप देख लीजिएगा, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रह सकते हैं, पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं इस चीज पे। बताइए दिसंबर 2023 में मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता, रीमा अग्रवाल, आस्था रावल, दीपा कुमारी, माही अग्रवाल, सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आशीष, पूर्णिमा, अनुश्री, आस्था रावल, आयुषी वर्मा का आंसर सही है, आस्था रावल, ठीक है, आस्था रावल जो है इन्होंने मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता था। इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और यह पहली बार है, पहली बार मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल का आयोजन भारत में किया गया है, ठीक है, भारत में पहली बार आयोजित किया गया, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। किसको मिला, तो आस्था रावल को मिला है यह खिताब, ठीक, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जा रहा है। कहां पे आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसको, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या है, अगस्त 2023 में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय उच्चायोग में प्रभारी नियुक्त हुई है, किस देश में, ठीक है, किस देश में भारतीय उच्चायोग में प्रभारी नियुक्त हुई है, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, पाकिस्तान में या ब्रिटेन में, बताइए, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या ब्रिटेन, कहां पे जो भारतीय उच्चायोग है उसकी प्रभारी नियुक्त हुई है गीतिका श्रीवास्तव जी, आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ऑप्शन सी रमेश सिंह का सबसे पहले आंसर आया है, बिल्कुल सी, ठीक, पाकिस्तान, पाकिस्तान में अवस्थित जो भारतीय उच्चायोग है उसका प्रभारी का पद जो है किसको दिया गया है, गीतिका श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, प्रभारी नियुक्त किया गया है भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान में, इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला है, ठीक है, इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक। देखिए अगस्त 2023 में गीतिका श्रीवास्तव को किस देश के भारतीय उच्चायोग में प्रभारी नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान, ठीक, इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया के द्वारा, ठीक, पेटा इंडिया ने 2023 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, ऑप्शन बताइए, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा या प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर फटाफट आप लोग आंसर करिए, गीतिका ठाकुर जी कह रही अच्छा हुआ मैं नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी होंगी, दिया मिर्जा, विकास राय का आंसर आ गया है, दिया मिर्जा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दिया मिर्जा होगा।
पेटा इंडिया का 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दिया मिर्जा को चुना गया है। ठीक है, सबका आंसर आ गया। गीतिका ठाकुर, आशीष, राहुल, ठीक, कमल किशोर, सबका आंसर आ गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? अगस्त 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला मोटर्स ने मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO, ठीक है, मुख्य टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया बताइए। ऑप्शन देखिए, राजीव अग्रवाल, दीपेश तनेजा, वैभव तनेजा या राहुल दवे। ठीक, राजीव अग्रवाल, दीपेश तनेजा, वैभव तनेजा, राहुल दवे। ये क्वेश्चन जब मैंने अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां करवा रहा था उसमें मैंने इस क्वेश्चन को डाला था, वहां से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर देंगे। सही आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है, ऑप्शन सी। लेट्स लर्न राजकमल तिवारी, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आना स्टार्ट हो गया। जय आयुषी वर्मा, देखिए सबका आंसर आ गया। आयुषी वर्मा कह रही थी पहली बार हम परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, पहली बार आप दे रहे हैं फिर भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। वैभव तनेजा जो है वो टेस्ला कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए गए, ये भारतीय मूल के व्यक्ति है। टेस्ला वही कंपनी है जिसके जो मालिक है कौन है, ठीक, एलन मस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र UIDAI, ठीक है, UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। ठीक है, बताइए UIDAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गर्ग, विवेक जोशी, सुभाष गर्ग या अमित अग्रवाल, इसका सही आंसर बताइए जी। नियुक्तियां याद कर लीजिएगा, नियुक्तियां परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन नियुक्तियों से पूछे जाते हैं। आप ये सोचेंगे कि सिर्फ राष्ट्रीय पढ़ रहे तो राष्ट्रीय से काम नहीं चलेगा, नियुक्तियों में क्या क्या आता है, कोई भी वित्तीय संस्था के जो नए नियुक्तियां हुई, रेलवे बोर्ड में नई नियुक्तियां हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई नियुक्तियां हुई, राष्ट्रीय स्तर पर नई नियुक्तियां हुई, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में नई नियुक्तियां हुई, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर नई नियुक्तियां हुई। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है, 4 से 5 प्रश्न आते ही हैं। अमित अग्रवाल, मंजू सिंह का आंसर सही आ गया है, अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल को UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? अमित अग्रवाल, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिसंबर 2023 में किस देश में विश्व के सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पे, देखिए जैसे भी आए, भारत का पहला, विश्व का पहला, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया कहां पे? रूस में या ईरान में, जापान में या कनाडा में, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, विजय चौहान जी का आंसर आ गया डी, 22 का डी, 23 का बताइए आप लोग, जब भी ऑप्शन दीजिए ना डी सी तो उसके आगे कम से कम 22 या नंबर ही कोडिंग कर दिया करिए, तो उससे मैं समझ जाऊं कि आप किसका आंसर बता रहे हैं। ठीक, बताइए 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताइए क्या होगा। सबका सही आंसर आ गया जापान, ऑप्शन सी। संध्या, लेट्स लर्न, बेबी अंजुम, मही यादव, ठीक, सबका सही आंसर आ गया है, कमल किशोर जी का आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा जापान। जापान में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है? जापान में शुरू किया गया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना अत्यधिक है कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाए, जहां पे भी विश्व का पहला, विश्व का सबसे बड़ा, ये सारी चीजें होती है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है,
इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है JT60SA, इसका नाम है JT60SA, ठीक है, नाम याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा JT60SA क्या है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र है जो जापान में अवस्थित है, जापान में बनाया जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, कमेंट में बातें कम कीजिए, ठीक है, बताइए दिसंबर 2023 में कहां पर विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया है, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम आरोग्य मैत्री एड क्यूब है, उसकी शुरुआत कहां पे की गई है, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, यहां पे क्वेश्चन परीक्षाओं में आने वाले हैं, ठीक, बताइए इसका शुभारंभ कहां से किया गया, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, जनेवा या गुरुग्राम, 24 का आंसर बताइए, 24 का डी आंसर आ भी गया, केशव नंद, रमेश सिंह, मही यादव, पवन राय, ऑप्शन डी गुरुग्राम, ठीक है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका शुभारंभ किया गया, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहां पे शुरू किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, ठीक है, इसका नाम है, विश्व का पहला है, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो मैंने बताया ना सबसे बड़ा कहां पे शुरू किया गया था, जापान में, वैसे ही यहां पे देख लीजिए विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहां पे, गुरुग्राम हरियाणा में, यह वही गुरुग्राम हरियाणा है जहां पे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है, ठीक है, जिसका 96वां सदस्य कौन बना था, कल मैंने बताया था आपको, 96वां सदस्य बना था हंगरी, ठीक, और 95वां कौन सा था, तो 95वां था चिली, ठीक, देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, दिसंबर 2023 में कहां पर देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है, बताइए मोहाली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ या लखनऊ, सबके आंसर भी आना स्टार्ट हो गए इतनी तेजी से, बिल्कुल भुवनेश्वर जी, बिल्कुल अर्चना त्रिपाठी, रीति राय, मनोज सिंह, सही आंसर देखिए इसका होगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में, ठीक, भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, BJD, ठीक है, BJD उनकी पार्टी का नाम है, बीजू जनता दल की पार्टी है, तो नवीन पटनायक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और यह किसके सहयोग से बनाया गया है, तो ये अभिनव बिंद्रा जो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारत की ओर से जीता था, अभिनव बिंद्रा ने, उनके सहयोग से यह स्थापित किया गया है, ठीक है, इस केंद्र का स्थापना किया गया कहां पे, भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, अब यूपी की बात हो रही है यहां पे, देखिए महत्वपूर्ण है, राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा, जिसको हेली सेवा भी कहते हैं, का उद्घाटन किया, तो कहां पे किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा का, ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन बी है मेरठ, सी है अयोध्या या डी है बटेश्वर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आना भी स्टार्ट हो गया, योगेश पांडे, आशीष शुक्ला, बटेश्वर, ठीक है, बटेश्वर कहां पे पड़ता है, तो ये आगरा में पड़ता है, ठीक, आगरा से, आगरा के बटेश्वर से जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनके द्वारा राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा, अंतर जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा, आप समझिए इसको, अंतर जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा, अगर जो इंग्लिश में ना लिख के सीधे सीधे हिंदी में लिख दे अंतर जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा, तो इस वजह से याद रखिएगा कहां से शुरू किया गया, तो बटेश्वर आगरा से शुरू किया गया, कहां से कहां तक चलेगी, तो मथुरा के गोवर्धन तक चलेगी, ठीक है, बटेश्वर से गोवर्धन तक जाएगी, बटेश्वर आगरा में पड़ता है और गोवर्धन मथुरा में पड़ता है, समझ गए, तो थम्सअप करिएगा,
वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी समझ में आया तो थम्सअप करिए। आरती, रीति, निधि, शिवानी, सबका आंसर आ गया बटेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम, यहां जाएगा लिख गया, यहां पे गया होना चाहिए, ठीक। जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में आयोजित किया गया। गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल, बताइए। समझ में सबको आ गया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अर्चना त्रिपाठी जी, आप गोरखपुर से हैं, ठीक है, बताइए इसका। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे आयोजित किया गया। सबके आंसर आना स्टार्ट हो गया। ऑप्शन सी तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। पांचवा जो हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो पांचवा जो हुआ था वो एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में उसका आयोजन किया गया था। पांचवे का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। टॉप पर कौन था, तो महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ था पदक तालिका में, ठीक। किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ था, तो महाराष्ट्र को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ था, जो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, ठीक है। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पे आयोजित किया गया, तो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। सबका आंसर आ गया, बेस्ट वीडियो जी, बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। अब यहां पे 3D प्रिंटेड मंदिर और वो भी विश्व का पहला, ठीक है, कि किस राज्य में बनाया गया है विश्व का पहला 3D, ठीक। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए क्या होगा इसका। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। रीति राय, शिवानी प्रजापति, विकास राय, सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया। आरती, दिव्या, ठीक। आप लोग कमेंट पे ध्यान ना देके इधर ध्यान दीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ इश्यू हो गया था क्या, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, वानखेड़े, वानखेड़े स्टेडियम जी, बिल्कुल, ठीक है। तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिभा का अनावरण कहां पे किया गया, तो वानखेड़े स्टेडियम, ठीक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया। इसका अनावरण किसके द्वारा, तो एकनाथ शिंदे के द्वारा इसका अनावरण किया गया। सचिन तेंदुलकर जो है इनके नाम सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है, सर्वाधिक टेस्ट मैच, 200 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक। साथ साथ में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक का रिकॉर्ड भी इनके नाम पे ही है। क्या सर, 28 से कितने प्रश्न करवा दिए आपने, अच्छा क्वेश्चन छूट गया क्या आप लोगों के, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 से, मैं जल्दी जल्दी फिर से दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन, शायद कुछ इश्यू आ गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या था, क्वेश्चन नंबर 28 फिर से देख लीजिए एक बार, आप लोग कह रहे हैं क्वेश्चन 28 से फिर से बता दीजिए, ठीक। देखिए, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो था वो तेलंगाना में बनवाया गया। यह मंदिर तेलंगाना के सिद्धपेट जिला में बनवाया गया था। यहां पे भगवान शिव, माता गौरी और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है इस मंदिर में, ठीक है, तो तेलंगाना में स्थापित था। सभी का आंसर आ रहा है 28वें का बी, आशीष शुक्ला, गीतिका, विकास राय, आरती, लेट्स लर्न, दिव्या, मणि त्रिपाठी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र, भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र जो है ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया ये सहारनपुर के जो IIT रुड़की का कैंपस है ना, जो उत्तराखंड का IIT रुड़की है, तो IIT रुड़की का एक कैंपस सहारनपुर में भी अवस्थित है, तो उसी सहारनपुर के IIT रुड़की के कैंपस में भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है।
यहीं पे स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक, 29 नवंबर 2030 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिटी ने कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो पासीघाट में इसका उद्घाटन किया गया था। महत्वपूर्ण हो जाता है द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, ठीक है। अच्छा भैया जीमेल बाद में लीजिए, पहले इधर ध्यान दीजिए। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय पासीघाट में इसका उद्घाटन किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जितने भी हवाई जहाज और ऐसे हवाई जहाज एरोप्लेन जो वगैरह थे, वो जो क्रैश हुए थे अरुणाचल प्रदेश में, उनका यहां पे प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। तो भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है, देख लीजिएगा, एरिक गारसिटी है, ठीक, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया, तो लद्दाख में स्थापित किया गया। यह क्वेश्चन देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, मैंने अभी आपको बताया था। और इसके बाद 32वें क्वेश्चन से हम लोग पढ़ा, मतलब 32वें क्वेश्चन पे हम लोग थे। यहां पे देखिए क्या था, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किस देश में किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है, अल दफरा इसका नाम है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 2 गीगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे हम लोगों ने बात किया कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जो प्रतिमा है उसका अनावरण किस मैदान में किया गया था, किस स्टेडियम में किया गया, तो वानखेड़े स्टेडियम में एकनाथ शिंदे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। सचिन तेंदुलकर के नाम 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है, साथ साथ में 51 शतक, टेस्ट मैच में 51 शतक का भी रिकॉर्ड है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट मैच में 51 शतक और 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नवंबर 2023 में किस राज्य ने अंतरदेशीय मत्स्य पालन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है, कौन सा राज्य है जिसने अंतरदेशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या अपना उत्तर प्रदेश, आंसर बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, परी बेस्ट वीडियो 33 का बी, जी बिल्कुल, यूपी, अर्चना त्रिपाठी का आंसर आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। ग्लोबल फिशरीज काउंसिल, ठीक, ग्लोबल फिशरीज काउंसिल का जो सम्मेलन हुआ था वो अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था, वहीं पर अंतरदेशीय मत्स्य पालन किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया था, ठीक है। अंतरदेशीय मत्स्य पालन की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया था, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन कहां पे किया गया था, अहमदाबाद गुजरात में किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में कोलकाता में स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष, ठीक है, पश्चिम बंगाल के राजभवन में स्थित सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शांति कक्ष, रामकृष्ण परमहंस आस्था कक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष या स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति कक्ष, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी 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 सी, बिल्कुल जी बिल्कुल, सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष नाम इसका परिवर्तित करके कर दिया गया है, ठीक है। सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष इसका नाम कर दिया गया है, ठीक। सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया, 35 का सी। रमेश सिंह, आशीष, अर्चना, शिवानी, बेबी अंजुम, आयुषी वर्मा, ठीक, सी, सी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहां पे किया गया, बेंगलुरु, पंचमढ़ी, शहडोल या वाराणसी। भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहां पे किया गया, देखिए परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, भारत का पहला, विश्व का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, तो जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक, अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सेशन चलता है, ठीक। वीडियो को लाइक करिएगा, समझ में आ रहा है तो थम्स अप भी करते रहिएगा, बताइए। सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया, बी बी बी, ठीक है, पंचमढ़ी।
मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्कटेक पार्क का शुभारंभ किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। बी आंसर आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, लेकिन अधिकतर जो आंसर है वो बी आ रहा है। ठीक, बी बेबी अंजुम का आंसर आ गया बी। ठीक, गीतिका ठाकुर जी बिल्कुल, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली मतलब जो इतने भी कागजी कार्रवाई है उनको खत्म कर दिया जाएगा कैबिनेट में, और ई कैबिनेट, ठीक है, ई गवर्नेंस के तहत ई कैबिनेट का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है देश का? बताइए, सिक्किम, त्रिपुरा, असम या हरियाणा? सही आंसर दीजिए। सही आंसर आ गया त्रिपुरा। ठीक, सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया। रमेश सिंह, उदय तिवारी, आयुषी वर्मा, बी बिल्कुल, त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया गया है, ऐसा करने वाला यह देश का चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाले राज्य थे। ठीक है, माणिक शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही, जिसने भी माणिक शाह का नाम लिया है, विकास राय, बिल्कुल सही, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, जल्दी से बताइए, दो क्वेश्चन और बचे हुए आपके। सितंबर 2023 में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन को मैंने जब प्लेसेस करवाए थे तो प्लेसेस वाले में इस क्वेश्चन को मैंने करवा रखा है। इसका सही आंसर आप बताइए, ऑप्शन में पढ़ूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको दो तीन बार ये क्वेश्चन करवाया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी किताब में आप देखेंगे तो ये हर किताब में आपको मिलेगा। बताइए, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? शहीद कैप्टन आनंद रेलवे स्टेशन, कैप्टन आनंद खंडकर रेलवे स्टेशन, कैप्टन शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, कैप्टन विक्रम बत्रा रेलवे स्टेशन। 38 का सी, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। सबका आंसर आना भी स्टार्ट हो गया, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। गीतिका, आयुषी, रीति, अंकित, ठीक, तो कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया किसका? उधम सिंह रेलवे, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के, ठीक है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कैप्टन शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां बाघ अभयारण्य बना? भारत का 54वां बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? बताइए, रानीपुर बाघ अभयारण्य, रामगढ़ बिस्तरी बाघ अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य या कमलांग बाघ अभयारण्य, कौन सा आंसर है बताइए? सबका आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। सी 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 क्या है? दुर्गावती बाघ अभयारण्य जी, बिल्कुल आपका सभी का आंसर सही है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। जिन्होंने भी ऑप्शन सी टिक किया है, बेबी अंजुम, राजेंद्र, संध्या, आशीष, सबका आंसर सही है। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है ये, मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। ठीक, उसके साथ साथ में ये 54वां बाघ अभयारण्य बन गया है भारत का। पहला बाघ अभयारण्य कौन सा था? तो जिम कार्बेट बाघ अभयारण्य, ठीक है, जो उत्तराखंड में अवस्थित है, भारत का पहला बाघ अभयारण्य था। उसी के बीच से रामगंगा नदी गुजरती है, वही रामगंगा नदी जिसके बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है वो उत्तराखंड में अवस्थित है, उसको भारत का पहला बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 20 दिसंबर 2023 को घोषित साहित्य एकेडमी पुरस्कार महत्वपूर्ण पीसीएस 2023 की परीक्षा में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उस टाइम 2022 का पूछा गया था, यहाँ पे 2023 का बात हो रहा है। तो साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? संजीव को हिंदी भाषा के साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कथन दो है, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में लिख के रखिए, या तो आरओ में और या तो पीसीएस में। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां पे मैंने लिख भी दिया है, आरओ या पीसीएस दोनों में किसी एक में यह परीक्षा में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा।
बताइए। सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया है। दिव्य मणि त्रिपाठी सी। ठीक है, तो देखिए संजीव को हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, संजीव की रचना है मुझे पहचानो और संजीव उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से संबंधित है। नीलम शरण गौर जो है ये प्रयागराज जिले से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से संबंधित है। ठीक है, संजीव की रचना क्या है हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ठीक, मुझे पहचानो इनकी कृति, मुझे पहचानो के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। 40 क्वेश्चन आज हमने रखे थे, 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही हुए होंगे। वीडियो अभी समाप्त होगा, वीडियो समाप्त होने के बाद आपके जितने भी प्रश्न हैं उनको आप कमेंट करके उसका उत्तर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी।